गुड इवनिंग राकेश सर। गुड इवनिंग जी, मेरी आवाज आ रही है? कैन यू सी मी? कैन यू हेयर मी? यस सर। वी ऑल आर एक्साइटेड सर आपसे सीखने के लिए। और दो भाई तीन लोग और शायद ज्वाइन हो रहे हैं भी, सुभाष जी, कुमार गौरव जी, स्वाति जी। यस, कितने तो लोग आज आज? हमारा, हाँ, 10 लोग रहेंगे। सो हमारा जो वर्कशॉप का डिसाइड किया था, हमने 2 दिन का डिसाइड किया था, फिर बाद में हमने फाइनल डिसाइड किया, फिर से बात हुई मेरी, तो आज ही पूरा वर्कशॉप हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज एक दिन के वर्कशॉप रहेगा हमारा, तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और काफी अच्छा होने वाला है, काफी इम्पैक्टफुल होने वाला है। कैमरे ऑन करके रखिए जसवंत सर आप भी, ताकि चीजें करने में मजा आए और कर सके हम लोग। और सेशन लास्ट में जब से हम लोग रहता है, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो अनिता मैडम, हरविंदर सर और एनपीएल जी, आप लोग को मैं होस्ट बना दूंगा, तो आप लोग इसके बाद में डिस्कनेक्ट कर देना शेयरिंग वगैरह लेकर, लेकिन जी मजा सर, बहुत आएगा। और यहाँ पर सीखने के बाद आने वाले टाइम में हम लोग, लंबा एक रिश्ता बनेगा राकेश सर के साथ, और भी आगे जाके हम कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हैं राकेश सर से। ये तो बस एक छोटी सी बूंद है, एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ सीखना है हमें राकेश सर से। राइट राकेश सर? यस सर। बिल्कुल, मैं सच्ची आपको बताऊं कि मैं उस दिन के बाद मैं भी बड़ा एक्साइटेड हुआ आप लोगों से मिलकर और बात करके। बहुत मजा आया उस दिन। और जितना ऑनलाइन मैं बता सकता हूँ, जितना मैं करा सकता हूँ, उतना कराऊंगा, क्योंकि मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप सब सबके साथ, आप सब मुझे सुन पा रहे हैं ना, जितने भी लोग यस सर, यस सर, हैं? हाँ। अब मेरे पास ना एक लड़का आया था, मैंने बताया भी था सलमान सर को, ये लड़का आया था मेरे पास जो हरियाणा से आया था। वो उसका अच्छा खासा बिजनेस है। वो क्या करता है, जो बिल्डिंगें बनती हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट लेता है, ऐसा कुछ उसका बिजनेस है, बड़े लेवल का बिजनेस है। लेकिन वो जब मेरे पास आया तो वो आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था, नीचे देख के बात करता था। हरियाणा का था साहब, मैं तो हरियाणा का होता मुझसे। मैंने कहा आंख में तो देख नहीं साहब, मैं नहीं देख, मुझसे नहीं देखा जाता। मैंने कहा तू फिर, लेकिन तू बात कैसे, बिजनेस कैसे करता? कहता बस कर लेता हूँ साहब, बड़ी तकलीफ होती है, घर वाले परेशान है कि तू ठीक से बात नहीं करता, धंधा ठीक से करता नहीं। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं है, तुम मेरी आंख में तो देखो। बोला साहब आंख को तो फिर भी देख लूंगा, लड़की आ रही तो बिल्कुल नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने कहा फिर ऐसे तू अपना कैसे आगे बढ़ेगा लाइफ में? तो कहता मैं एक्टिंग सीखने आया हूँ। तो मैंने कहा तो एक्टर बनना है? कहता नहीं सर एक्टर नहीं बनना है मेरे को, एक्टर बन गया तो बन गया, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बनूं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस मुझे गेन करना है, मुझे बातचीत में और फ्लुएंसी लानी है, थॉट में फ्लुएंसी लानी है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस लेवल मुझे अपना बढ़ाना है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसने मेरे साथ 6 महीने ट्रेनिंग की, क्योंकि मैं पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी करता हूँ एक्टर्स के लिए। उसने 6 महीने ट्रेनिंग की, तो मैं उस बात को भूल गया। इस बात को साल, 2-3 साल, 2 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए, मैं बात को भूल गया, क्योंकि उसके बाद और भी लोग आए। एक दिन मुझे उसका फोन आया, बोला राकेश जी सर आपको, आपको चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैंने बीच में शायद सर को फोन आया होगा, तो उनका फोन आ जाता है तो ये हैंग हो जाता है, तो उस टाइम पे हरविंदर जी, अनिता जी, आप थोड़ा हैंडल करना, उसमें तो सर आप एक्टिंग करना शुरू कर देना। जी सर सामने सर, थोड़ा नेट का चैलेंज आ रहा है आपका सर। ओके सर, सर की आवाज क्लियर नहीं आ रही है। यस हाँ नेट का चैलेंज है, नेट में कुछ yes. जिसकी। अनिल जी, अब तो अपना स्टोरी टेलिंग के कुछ टॉपिक कवर करिए, अब तक कुछ ना कुछ बीच में इंटरेक्शन करिए, ताकि फोरम खाली नहीं लगे। यस ठीक पहले तो डॉक्टर आशीष सर, आपने अभी किया था, वीडियो ऑन किया था, एनपीएस जी आप भी कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, कोच एनपीएस सर, वेरी गुड सर, थैंक यू।
नहीं आ रही तो मेरी सर आवाज? बीच में ब्रेक हो रही थी सर। गुड इवनिंग, आई एम रेडी। हेलो हेलो हेलो, यस चेक सर, करो। यस सर, हेलो ठीक हेलो, है सर, क्लियर सर, अभी ठीक है क्लियर सर। क्लियर। यस हेलो, हाँ जी, सर अभी ठीक है सर, राकेश सर ठीक है अभी आवाज। वीडियो ऑन है मेरा? हाँ थोड़ा हैंग हो रहा है, नेट का चैलेंज है आई एक थिंक ऑन सर। है, दोनों चीजें ऑन है। सलमान सर, वॉइस भी थोड़ा लो हो रहा है। यस यस, तो सर का नेट का शायद इश्यू हो गया, जब तक आप लोग उसको संभालिए उस चीज को, तो हो जाएगा थोड़ी देर में। लास्ट टाइम भी हमने लिया था तो हुआ था, तो उस टाइम एक काम कर उसका सकते हैं गैप को सर, आप कवर कर लीजिए वीडियो जब तक सर वीडियो आ ऑफ जाएगी। करके यस अगर चालू करें तो शायद आवाज आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगी। वीडियो तो वीडियो ऑफ करके तो सर ने बहुत अच्छा बताया ना, जैसे भाई क्या होता है ना, हम जैसे कुछ गांव एनपीएस वाले जी, मैं देहाती आपको बहुत लोग। बना रहा हूँ, आप गैप मत आने देना, आप गैप नहीं आने दोगे मुझे पता है। यस तो आप संभाल लेना बिल्कुल सर, सही। अगर फोन ना आ जाए तो। तो यस मैं यस राकेश सर यस, की बात को आगे करता हूँ। गुड इवनिंग सभी को। मैं सफल सुपरस्टार नैन पासिंग कोच एनपीएस दिल्ली से। तो होता क्या ना सर, जैसे हम जैसे जो देसी लोग हैं, जो गांव के माहौल में पढ़े बड़े हैं, और हम मतलब स्कूल में मतलब लड़कियां पढ़ती नहीं थी हमारे टाइम में, मतलब बहुत कम रेयर थी। तो और उनका सेक्शन अलग ही होता था। मतलब ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो आर्ट साइड लेते हैं और लड़के साइंस लेते हैं। तो 10th में आके मतलब हमें पता लगा कि लड़कियां भी कोई ऐसी थी हमारी क्लास में, तो उसके लिए एक सीट रिजर्व रहती थी वहां पे। तो वही चीजें हैं हम। यस सर, राकेश सर, प्रिंस से कह रही हूँ। हाँ तो थोड़ी सी हिचक रहती है ना बात करने में। बिल्कुल सर, थोड़ी नहीं पूरी रहती है सर। और ये मतलब माहौल अभी तक भी रहा था, लेकिन अब तो मैं बात कर लेता हूँ और खूब अच्छी तरीके से। जब से सलमान सर के साथ मैं अटैच हुआ तो बहुत अच्छी तरीके से लेडीज से ही बात करते हैं, जेंट्स से ही बात करते हैं, अब कोई इशू नहीं है वो। तो पहले एक टाइम रहता है ना वो कि भाई लड़कियों से हम बात नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा हमारे माइंड में एक बात फिक्स हो जाती है क्या बात करेंगे। तो हेलो। तो यस आज के सर, सेशन का काफी फर्क पड़ेगा राकेश सर, के सेशन अटेंड कर काफी फर्क पड़ेगा। यस राकेश सर, अच्छा चलिए मैं आपसे शुरू करता हूँ। आप आपसे अभी आपने कहा कि गांव में लड़कियों से बात, आपका नाम क्या है सर? मैं नरेंद्रपाल सिंह सर दिल्ली से बोल रहा हूँ। अभी तो मेरी पर्सनालिटी में बहुत कुछ चेंज हो गया है, क्योंकि मैं मतलब बहुत घाट घाट का पानी पिया हुआ मैंने सर। तो मैंने देश की सेवा करी 18 साल 3 महीने इंडियन नेवी फोर्स में। उसके नहीं, बाद अभी तो यहाँ आपका से। अभी आज से आपका और चेंज होगा। यस आज सर से आप बिल्कुल जितना चेंज हुआ है उससे आपका और चेंज होगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए एक बेसिक आपको मैं फंक्शन बताता हूं कि किसी चीज से ज्यादा डरिए मत, किसी चीज को करने में ज्यादा डरिए मत। मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं। बिजनेस एक अलग कैलकुलेशन होता है कि मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, या मुझे सपोज एक पहाड़ पे चढ़ना है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं पहाड़ पे, मेरे घुटने अभी इतने मजबूत नहीं है कि मैं उस पहाड़ पे चढ़ पाऊं। लेकिन मैं अगर इसके एक लेवल पर तक जाने के लिए मेरी हेल्थ अलाउ कर रही है, तो मुझे तो फिर उसको रोकिए मत अपने आप को। अपने आप को रोकिए मत, वहां तक जाइए। जहां तक आपको जाना है जा सकते हैं, वहां तक जाइए। अब जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल आपको देता हूं कि हम लोग जब जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं, तो हम लोग अपनी अपना एक्सप्रेशन जो है, मुझे हंसी आ रही है, मैं हंसना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने पड़ोसी की वेट कर रहा हूं जो मेरे साथ बैठा है, वो हंसना शुरू करे तो मैं हंसूंगा, नहीं तो सही मैं और लगूंगा हंसता हुआ। हम अपने आप को बात रोकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये आप देखिए। हैं हम हंसते जी? सर, हंसते हैं सर बहुत ज्यादा। नहीं, हंसते हैं, लेकिन आप देखिए, कभी भी मैं क्योंकि एक्टर हूं तो मैं मास मेंटेलिटी को समझता हूं, लेकिन उसका एक और आपको मैं परिणाम बताता हूं। जब एक बार हम लोगों को, इसको बोलते हैं, मैंने ऑडियंस को आज फोड़ डाला, मतलब हम अपनी भाषा में बोलते हैं कि इस पॉइंट पे ऑडियंस हाँ फूट गई। फूट के मतलब फूट फूट के वो उनका जो भी अंदर से एक्सप्रेशन था वो बाहर आने लगा, ठीक है ना? एक बार जब वो फूट जाती है ना ऑडियंस, फिर भले ही आदमी उसी सीट पे बैठा बैठा उल्टा हो जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, सही है ना? फिर भले ही नीचे ही गिर जाए, ऊपर उछल जाए,
लेकिन एक बार जो इनिशियल झांका है उसका, वो टूटना जरूरी है। इसी तरह से लाइफ में हमारा भी इनिशियल किसी भी चीज के बारे में झांका होता है, वो टूटना जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं अभी आया हूं अयोध्या से, अभी आया हूं, बिल्कुल अभी आया, मतलब घर पे अभी एंटर ही किया हूं, और कल ही गया था मैं अयोध्या वहां की रामलीला में हिस्सा लेने के लिए। ठीक बहुत है, बढ़िया, तो रामलीला में राइट मैं बना था नारद, नारद मुनि। और जब मैं अयोध्या पे कल उतरा था तो दिन में टेम्परेचर वहां पर था करीब 10 डिग्री, 10 दिन में, दिन में दोपहर को समझिए 3 साढ़े 3 बजे वहां 10 डिग्री था, और मुझे बोला रात को यहां पर 3 या 4 डिग्री हो जाएगा। मुझे बिना कपड़ों के खुले मंच में आसमान के नीचे वो परफॉर्मेंस देनी थी। अब नारद मुनि कपड़े तो पहन नहीं सकते ना, थोड़ी ना वो गर्म कपड़े पहन के परफॉर्म करूंगा मैं, तो क्योंकि वो तो कई देशों में जा रही थी रामलीला, कई देशों में प्रसारित हो रही थी। तो मेरे मन में पहला तो ये ख्याल आया कि राकेश बेदी तूने ये क्यों एक्सेप्ट किया कि ठंड में तू मर जाएगा। फिर मेरा दूसरा ख्याल आया कि नहीं, अब मैं यहां तक आ गया हूं, अब तो मैं जय श्री राम बोलूंगा और मंच पे चढ़ जाऊंगा, तो आगे जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद मतलब हुआ, मैंने अपना पूरा परफॉर्म भी किया, एक पॉइंट के बाद ठंड लगनी बंद भी हो गई और परफॉर्मेंस खत्म भी हो गया 3 4 घंटे का, और हम वापस घर पे आके फर्स्ट क्लास, मुझे ना जुकाम हुआ ना कुछ हुआ, आई एम फिट एंड फाइन। तो हम लोग ना झिझकते हैं लाइफ में कि मैं इससे बात करूं कैसे करूं, ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये क्या कहेगा मेरे बारे में। तो अपने मन की बात को ना आप लोग एक आदत डालिए, मन की बात जो है जहां पर कुछ कहना चाहते हैं वहां कह डालिए, कह डालिए। ऐसा नहीं कि किसी को एम्बेरेस करने की बात आपके मन में आ रही है तो उसको किसी को एम्बेरेस कर दो आप, या किसी को मजाक उड़ा दो, या किसी को खिल्ली उड़ा दो, दैट इज रॉन्ग। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ज्यादा रोकिए मत अपने आप को। हम लोग बहुत अपने आप को रोकते हैं, पीछे पीछे हटते रहते हैं कि नहीं यार ये क्या कहेगा। तो अभी अभी ऐसा ही है, मैं आपको एक छोटा सा और इसको एग्जांपल बताता हूं। अगर आपका कॉलर यहां से फटा हुआ है, ठीक है, यहां से आपका कॉलर फटा हुआ है, और आज आप फटा हुआ कॉलर पहन के आप घर से बाहर निकल गए, सुन रहे हैं मेरी बात को आप? यस पापा जी, मेरी सर, यस आवाज सर, आ रही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यस सर, बढ़िया सर, यस सर, आ रही है सर। ये फटा हुआ कॉलर पहनकर आप घर से बाहर निकल गए, तो अब आपको पता है कॉलर फटा हुआ, तो आप बात किसी से बात करेंगे, हाँ भाई साहब और सुनाइए क्या हाल चाल है, बस ठीक है, नहीं, वो मैं गया था वहां परसों, मुझे मिलना था वो, और आप ठीक है ना, आप दिन भर उसको छुपाते। सर आपका नेटवर्क का चैलेंज दोबारा से एक आ आदमी गया भी था। नोटिस एंड नहीं कर रहा, तो शायद वो सरकार भी तो जो, परेशान है ना कि यस सर, देखिए, यस वो भी जो आदमी आपसे बात कर रहा है वो भी तो परेशान है कि यार ये आदमी इतनी है पर यहाँ पर हाथ क्यों रखा हुआ है, कल तो नहीं रखा हुआ था इसने यहाँ पर हाथ, आज से पहले तो कभी नहीं रखा, आज यहाँ पर हाथ बार बार क्यों रखा हुआ है। तो आप खुद ही उसको हिट दे रहे हैं कि भैया मेरा कॉलर फटा हुआ है, आप खुद उसको हिंट दे रहे हैं वो। और दूसरी मजेदार बात यह है कि आज की दुनिया में हर आदमी अपने काम में इतना व्यस्त है, किसी के पास टाइम ही नहीं आपके बारे में सोचने के लिए। और अगर मान लीजिए बिल्कुल फटा हुआ है भी कॉलर, मान लीजिए फटा हुआ है भी, तो आप जिससे मिल रहे, जिसके पास गए, वो आपकी हैसियत को जानता है, वो ये बात समझ जाएगा कि यार ये बेचारा, इसका कॉलर आज गलती से इसने पहन लिया या रास्ते में फट गया होगा, वरना ये आदमी फटे हुए कॉलर की शर्ट पहनने वाला आदमी नहीं है। Am I right or wrong? है यस सर, ना? यस सर, तो अपने अपने हम इनहिबिशन को जब छुपाते हैं तो वो और उभर के सामने दूसरे वाले को दिखाई देती है, अपनी वीकनेस को जब हम छुपाते हैं। देखिए एक लाइन बड़ी कमाल की है, इसको कहीं लिख लीजिएगा आप सबके काम आएगी, छोटी सी लाइन है, वो ये है कि ऑलवेज पॉन्डर, ऑलवेज थिंक हाउ टू मेक योर वीकनेस योर स्ट्रेंथ। अगर आपकी ऑलवेज
ऑलवेज थिंक हाउ डू आई मेक माई वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ, हाउ डू आई कन्वर्ट माई वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ. ठीक है. अच्छा अभी वो कहाँ चले गए, कुछ मुझे जो बोल रहे थे एनपीएस साहब. एनीवे कोई बात नहीं. तो हरविंदर जी, यस सर, यू कैन हियर मी ना? यस सर, श्योर, बिल्कुल सर, यस सर, मैं यही अच्छा हूँ, मैं यही इधर ही हूँ. चलिए, मैं अब आज थोड़ी सी एक्सरसाइज करानी शुरू करता हूँ आपसे. ठीक है. क्या है कि जब हम एक एक्टर जो है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक एक्टर जो है वो एक मल्टी लेवल पे डेवलप होता है, बहुत सारे लेवल पे वो डेवलप होता है, जो एक कॉमन आदमी उस लेवल पे नहीं जा पाता. उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हो जाता है, बढ़ जाता है, उसके अंदर इनहिबिशन उसके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रोज का काम ही ऐसा है. उसकी कन्वर्सेशनल स्किल बेटर हो जाती है. अब कल अगर मैं 3 घंटे, तो मल्टी लेवल पे, लेकिन एक कॉमन मैन की स्किल राकेश सर, आपका थोड़ा नेटवर्क का आई थिंक दोबारा से चैलेंज आया है, तो या तो आप थोड़ा वीडियो थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए. हाँ अरविंदर. जी सर, आवाज आपकी बीच में ब्रेक हो रही है सर, आप थोड़ा देर के लिए वीडियो ऑफ कर दीजिए सर. कौन, वीडियो ऑफ करके बाद में, यस सर, मैं अपना यस वीडियो ऑफ कर सर, दूं? हाँ जी, ताकि थोड़ा नेटवर्क को थोड़ा वो मिल जाएगा ना, वीडियो से थोड़ा सा ज्यादा. हाँ यस सर, अभी आप अभी अभी बात. बेटर है? यस देखिए बेटर है. अगर सर, आवाज बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर. सर हरविंदर, आप अपने बारे में कुछ बोलिए. मैं ऑलरेडी, बर्थ मेरा बॉम्बे से है, गोरेगांव से, और वहां से थोड़े दिन दिल्ली में रहने के बाद फिर मैं राजस्थान शिफ्ट हो गया, जहाँ पे मैंने अपनी डिप्लोमा किया था कार का, और उसके बाद फिर मैंने मारुति कंपनी में ज्वाइन किया, तो 2002 में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, और अभी करीब करीब 22 साल होने वाले हैं फरवरी को, तो मेरे को कंप्लीट हो जाएंगे, और वो काम करता हूँ जो ऑलमोस्ट नियर अबाउट नहीं कर पाता हर एक पर्सन, या कंपनी भी जिसको मना कर देती है, कोशिश ये मेरी रहती है कि मैं वो काम कर सकूँ. अच्छा, अभी मैंने आपको लास्ट टाइम एक चीज सिखाई थी कि हाथों को कैसे यूज किया जाए, आपको याद है? यस याद है आपको? सर, यस सर, आप लोग सब थे मेरे साथ उस मीटिंग में? बिल्कुल यस सर, हाँ, सर, तो मैंने आपको बताया था कि हाथों को अभी आपने हाथ ऐसे बांध रखे थे, देखिए यस सर, मैं ये भी नोटिस किया, मैंने भी कि मैंने ऐसे बांध रखे थोड़ा, हैं आपने सामने हाथ, यस ये सर, आप ये बिल्कुल सारी बात ऐसे हाथ रख बांध के किए मेरे साथ, है सर, ना? तो यस सर, आपने आपने क्या किया है, बिल्कुल आपने क्या किया है रविंदर जी, अपने आधी एम्यूनेशन का गला घोट दिया. राइट सर, ठीक है. यस अभी सर, हाँ आप एक काम कीजिए, जो आप बोल रहे हैं ना, जैसे बोल रहे जी, हैं आप, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, थोड़ी बढ़ा दीजिए, और हाथों को इस्तेमाल करते करते बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ी सी, ठीक है सर. अपनी खुद की वॉल्यूम बढ़ाइए. तो मेरा नाम हरविंदर सिंह है, और मैं अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ, और मेरा बर्थ जो है वो गोरेगांव बॉम्बे से है, जहाँ आरके स्टूडियो के बिल्कुल जस्ट बैक साइड में था, और फिर वहाँ से मैंने राजस्थान में जा करके आगरा से डिप्लोमा किया था मोटर मैकेनिक का, और फिर मैंने 2002 में मारुति कंपनी को छोड़ करके मैंने अपना काम स्टार्ट किया. और और अभी फिलहाल सर 22 साल हो गए मेरे को, आप अपना काम करते हुए, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से. मेरा जो एक माइंड जो चाह रहा था, या मेरे जो मेरी सोच थी, वो ये थी कि मैं एक इलेक्ट्रिकली कुछ करूँ ऐसा,
और मैंने मैकेनिकली करते करते मोटर, उसमें जो था मोटर मैकेनिक से इलेक्ट्रिक उसमें चला गया हूँ मैं, साथ साथ मोटर का उसका भी मैकेनिकल भी चल रहा है, और अभी मेरा इलेक्ट्रिक में ज्यादा पकड़ हो रही है, जहाँ की थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करता है। वेरी गुड। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो पहली बार कहा और सेकंड कहा उससे आपको कैसा लगा? यस सर, बेटर है सर, बिल्कुल बेटर लगा ना, क्योंकि यस जब सर। आप एकदम वॉल्यूम लो कर देते हैं ना तो आपकी खुद की एनर्जी भी लो हो जाती है। अगर मैं आपसे अभी देखे, मैं आपसे इस लेवल पे बात कर रहा हूं, यस सर, अभी देखिए मैं आपसे इस लेवल पे बात कर रहा हूं, अगर मैं इस लेवल पे बात करूंगा। और हरविंदर जी कैसा लगा आपको? आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं अपने बारे में? अपने बारे में कुछ बताइए ना। तो नहीं, आप बताइए आपने इससे पहले क्या क्या किया है। तो आप देखिए, मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं तो मेरी मेरी एक तो वॉइस थ्रो नहीं हो रहा है, आप मेरी आवाज सुन यस रहे हैं सर, ना, बिल्कुल है ना? सर, तो मेरा वॉइस थ्रो नहीं हो पा रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस जो है वो एनर्जी के साथ बढ़ता है। यस सर, अपने आप को एनर्जाइज रखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, आप किसी क्लाइंट के पास गए, आप जो भी काम करते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भाई साहब पहले मैं था, ऐसे था, मेरा बिजनेस था, अभी तो मेरा ऐसा हो गया है, आप मेरे से काम करवाइए, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो वो इम्प्रेस होगा आपसे? नहीं होगा, क्योंकि आप नहीं जब होगा सर। एक देखिए, हमारे क्या एक्टिंग में क्या है, एनर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है यस सर, किसी भी, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा मेरा जो ऑडियंस वो मेरा क्लाइंट है, मैं राइट? मैं उसको बिल्कुल अपना सर, सामान बेच रहा हूँ, मैं उसको अपना सामान बेच रहा हूँ, अपना टैलेंट बेच रहा हूँ, अपना जो मैंने जो मुझे आता है वो बेच रहा हूँ, वो देख रहा है, मुझे देखने के पैसे दे रहा है, मैं राइट? सर, तो इसी तरह से आप अपने क्लाइंट से जब बात करते हैं तो एक एनर्जाइज रखिए। आप जैसे ही लो एनर्जी करेंगे तो आपकी जुबान भी लो एनर्जी में काम करेगी, वर्ड्स क्लियर नहीं निकलेंगे, आपका थॉट प्रोसेस भी लो एनर्जी में चलेगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी कम हो जाएगी। जैसे ही एनर्जी को बढ़ाएंगे, हर चीज ऑटोमेटिकली बॉडी की सारे लिम्ब भी आपके जो जितने भी लिम्ब्स हैं, हाँ जी हाँ जी, आइए बैठिए, आइए भाई, अरे भाई साहब इधर, अरे लाओ भी पानी, लाओ सर के लिए पानी लेके रहो, अरे लाओ भी, लाओ पानी, लाओ पानी, सबके पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, बिठाओ 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 सबको बिठाओ, यू नो, आओ भी आओ, बिठाओ बिठाओ सर को बिठाओ, हाँ जी सर क्या पियेंगे आप? तो आप वो एनर्जी आ ही नहीं सकती, बिकॉज बिकॉज सर, बिकॉज आप कन्विंस कैसे करेंगे उसको, ठीक है? तो ये जो जितने भी यस, लेसन मैं आज आज दे रहा हूं, अगर मैंने आपसे ये बात करवाई है तो ये समझिए ये सब पे सब इससे सीख रहे हैं ना, तो सबके लिए ये है। यस सर, अभी अनीता जी, यस सर, आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम अनीता बकरे है और मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ सर। अभी कहाँ पर हैं आप? लास्ट जी सर, अभी कहाँ से बोल रही हैं? मैं अपने घर से ही बोल रही हूँ सर, अच्छा, और लास्ट 35 ईयर्स से मैं ब्यूटी फील्ड में वर्क करती हूँ, और 12 साल से हेल्थ के सेगमेंट में मैं वर्क करती हूँ सर। लोगों को मेडिसिन लाइफ कैसे जीना है वो मैं सिखाती हूँ, और सर के सेशन में सुबह शाम आते रहते हैं हम सर। थैंक यू सर। और क्या बताऊँ सर देखिए मैं यही आपको बता रहा हूं, ये अभी आपने सेंटेंस बोला, और क्या बताऊं, है ना? जी सर, वो इसलिए आपने बोला, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, यस सर, आपने इसलिए बोला कि आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करने की पावर नहीं है, आपके पास तरीका नहीं आता, आप, यस सर, है ना? मैं आपसे किसी और के बारे में नहीं पूछ रहा, जी मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं, यस सर, और आपकी उम्र अगर इस समय समझिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 40 साल है, तो यस सर, आप अगर चाहें तो अपने बारे में 40 घंटे बोल सकती हैं, यस सर, बोल सकती है ना? यस सर, क्योंकि मैं आपकी, और जब आप बोलेंगी
जब आप बोलेंगी तो उसमें यस सर, आपकी आपकी इमेजिनेशन यूज नहीं होगी, आपकी मेमोरी यूज होगी, क्योंकि यस सर, आप मेमोरी से बोलेंगी ना कि जब मैं छोटी थी तो मैं हम उस घर में रहते थे, जी सर, उस घर में हमारे बाहर एक आंगन था, पीछे एक गार्डन था, छत के ऊपर एक बड़ा हमारा टेरेस था, हमारा एक डॉग था। जैसे जैसे बोलती जाएंगी वो चीजें याद आएंगी तो बोलेंगी ना, यस सर, तो मेमोरी से ही बोल रही है ना, यस सर, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पीछे जो एक फिश टैंक है, क्या है पीछे, क्या है आपके दीवार पे, कुछ है ना दीवार पे, क्या लगा हुआ पोस्टर्स, है? नहीं, दीवार पे कुछ, पीछे दीवार पे कुछ ग्रीन सा दिख रहा है मुझे, वो क्या है? पोस्टर्स है सर, राकेश सर, राकेश सर, वो वर्चुअल बैकग्राउंड है वर्चुअल जो, बैकग्राउंड है सर, ओह अच्छा, सॉरी सॉरी, जैसे मेरे बैक साइड में भी टीवी नजर आ रहा है, बट टीवी है नहीं, ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। अरे वाह, देखिए हाँ मैं धोखा खा गया। तो ये जसवंत जी भी जो है वो वर्चुअल बैकग्राउंड में बैठे हैं। यस सर, ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपके सामने, आपके बैकग्राउंड सामने पेन है, पेन अनीता जी। सर, हाँ, अभी आप इस पेन के बारे में बोलिए। ओके, मेरे हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत पेन है, पेन का ब्लू कलर है जो मुझे बहुत पसंद है, और उस पे लिखा है सुकून, जो काफी में मुझे सुकून देता है। और इस पेन से मैं अपने थॉट्स लिखती हूँ, हम्म, इस पेन से मैं अपने दिमाग में जो भी आइडिया आते हैं वो मैं लिखती हूँ, और मुझे इस पेन से इंस्पिरेशन मिलता है। सोचती अभी अभी हूँ अगर ये देखिए, पेन नहीं होता तो मैं कैसे लिख पाती। अभी आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यस सर, अभी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। यस सर, आपने फर्क देखा दोनों चीजों में, है यस सर, ना? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेन के ऊपर भी 1 घंटा बोलिए, जी 1 घंटा बोलिए, अपने ऊपर 1 घंटा बोलिए, पेन के ऊपर 1 घंटा बोलिए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत तकलीफ होगी, जी है सर, ना? पेन के बारे में इतना नहीं बोल सकती, अपने बारे में बता सकती हूँ 1 घंटे नहीं, तक। बोल सकती हैं, पेन के बारे में बोल सकती हैं, क्यों नहीं बोल सकती आप? क्योंकि इसलिए बोल रही हैं नहीं बोल सकती, क्योंकि अपने आपने अपने आप को उस क्षेत्र में बांध कुरेदा के कुरेदा रखा है, नहीं। यस सर, क्या होता है जिंदगी में, कभी कभी वी हैव टू सरप्राइज आर सेल्व्स कि ये मेरे से क्या हो गया। अब मैं आता हूं डॉक्टर आशीष मैथुसुई, मैथुसुई है ना, मैथुसुई साहब। यस सर, यस सर, हाँ जी, ये क्या आपके यस सामने, सर, वैसे मैंने पहली बार सुनी है, बड़ा मजेदार नाम है आपका, नहीं, आई एम महाराष्ट्रियन तो पहली बार एंड सुना है मैं मैंने। पुणे में रहता हूँ, राइट, यस। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताइए कुछ। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष माथेसुल हूँ। सिंस पास 16 इयर्स मैं पुणे में ऑर्थोडॉन्टिस्ट हूँ, सो आई एम इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग योर स्माइल्स एंड लाफ्टर मोर ब्यूटीफुल, एंड वाह, आउट ऑफ माई पैशन एंड आउट ऑफ माई ओन कॉलेज ड्रीम्स, आई हैड माई बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप लाइक स्किल्स, विच आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर, एंड आई डिड माई MBA इन मार्केटिंग 4 इयर्स बैक, एंड लेटर आई हैपन टू कम विथ सलमान सर, एंड इट हैज बीन जस्ट ब्यूटिफुल एंड ऑसम सिंस देन, लाइक माई स्किल्स एंड माई कम्युनिटी, लाइक आई हेल्प डॉक्टर्स, आई हेल्प प्रोफेशनल्स टू गेट मोर एंड मोर बिजनेस एंड गेट लाइक हैव अ मोर मोर हैव मोर कस्टमर्स, हैव मोर फुलफिलमेंट इन द लाइफ, सो दिस इज माई मिशन, लाइक आई एम लाइक विद द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल द पीपल ओवर हियर, सलमान सर, so I like I when I was just doing my orthodontics I was thinking like
मैं सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट में मेरे लोगों के लिए बेनिफिट कर रहा हूँ. सो व्हेन आई अभी केम इन अभी टू मेरी बिजनेस अब एक आई एक एक मिनट एक कैन एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट यस देखिए, अभी आपने जितना भी बोला आप सब देख रहे हैं ना यस डॉक्टर साहब को, सब लोग देख पा रहे हैं जी डॉक्टर साहब सर को, जी सर आपने हाथों का अच्छा इस्तेमाल किया यस किया ना आपने, ठीक यस सर है। अब यस सर आप ये सब दोबारा बोलिए, अभी जब आप बोल रहे थे तो आप इस बात के कॉन्शियस नहीं थे कि हाथों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा था, यस करेक्ट। लेकिन यस अब कॉन्शियसली कीजिए और उसको थोड़ा बेटर कीजिए, फिर से बोलिए। ओके हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर आशीष माथेसुल एंड सिंस पास्ट 18 इयर्स आई हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्थोडॉन्टिस्ट एंड मैं लोगों के स्माइल्स को और उनके लाफ्टर को और ब्यूटीफुल करता हूँ. पर क्या हुआ, लाइक 18 इयर्स में इतना सब करने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था लाइक समथिंग इज रिमेनिंग इन माई लाइफ, कि मैं मेरे मैं ऑडियंस को, मेरे कस्टमर्स को सिर्फ एक एस्पेक्ट पे हेल्प कर रहा हूँ एंड आई वॉन्टेड टू गिव देम अ बिगर एंड हायर बेनिफिट एंड दैट्स वॉट एट 4 इयर्स बैक आई मेड अ ओके डिसीजन दैट ओके ग्रेट आई वॉन्ट टू कम इन टू या राइट ग्रेट ग्रेट। आई अब गॉट इट आई बताइए गॉट दोनों में, इट अब बताइए दोनों में यस फर्क यस बताइए मुझे, आपने राइट देखा फर्क देखा, यस सर बस राइट बस क्योंकि सेकंड में क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी मेरी अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको एकदम जारिंग बना दीजिए, लेकिन यू शुड बी हाँ कॉन्शियस, आप जब भी कहीं बोलने जाएं, किसी से मिलें, अपने आप को रिपीट करें, और ये बाद में इट विल बिकम योर सेकेंड नेचर, ओके इट विल ऑटोमेटिक बिकम योर सेकेंड नेचर। लेकिन पहले पहले कॉन्शियसली इसको अपनी उसमें उसमें लेकर आइए, रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात को लेकर आइए, तभी वो आपका राइट सेकेंड नेचर बनेगा और आप देखेंगे कि कितना फायदा इन होगा, यू नो कितना राइट इन फायदा डे होगा। टू डे टॉक इवन घर पे कस्टमर एनी वेयर जस्ट यूज द हैंड मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यू गो आउट ऑफ द वे, बट बी कॉन्शियस ऑफ इट। ओके अभी बिकॉज देखिए, आपने कहा कि डॉक्टर साहब आपने कहा आई ब्रिंग स्माइल्स, आई ब्रिंग यस स्माइल्स, यू नो, तो हाँ हाँ आई ब्रिंग स्माइल्स, अब ये इससे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, आई ब्रिंग स्माइल्स, आई मेक पीपल स्माइल, लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मेरे पास हाँ आते हैं, खुश होके जाते हैं, ये आप देखिए किस तरह से फर्क पड़ता है उसका। यस ओके चलिए, नसरीन परफेक्ट जी, नसरीन जी, गुड इवनिंग, कैन यू हेयर मी, गुड इवनिंग सर मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस सर तो आपने अभी तक जो सुना उसके बारे जी में मुझे सर बताइए, क्या लगा आपको जितना सुना आपने मुझसे? हम लोग तो पहले ही एक्चुअली है ही सेल्स के फील्ड में, तो बहुत ज्यादा हाथ का कभी कभी हाथ चुभड़ते नहीं पैर चुभड़ते नहीं दोनों भी शुरू रहते हैं, इतना हिलता रहता है पूरा बॉडी हिलते रहता है एक्चुअली बात करते समय, कभी नीचे पैर ऐसा हिलते रहते हैं और ऊपर से बात करते रहते हैं, तो इतना एनर्जी एक्चुअली एनर्जी तो है ही क्योंकि सेल्स में है, आवाज भी एक लेवल पे रखना जरूरी हो जाता है क्या क्या उसमें। करते हैं आप, और क्या करते हैं? मैं सेल्स में ही हूँ, मैं रियल एस्टेट में हूँ, कंसल्टेंट हूँ, और उससे पहले मैंने लैंडस्केप की एक फर्म भी चलाई है, ये फ्लोरा हाँ, आपको लैंडस्केपर तो क्लाइंट्स मिलते रहते हैं ना? यस बहुत क्लाइंट से ओके डीलिंग होता है, तो ऑटोमेटिकली आपने जो बोला वो एक्चुअली ऐसा है कि उसको यूज करना जरूरी हो जाता है क्योंकि सिर्फ मुंह से बात करेंगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, वहां पे हमको बोलना ही पड़ता है कि ये चीज है ये चीज है ये चीज है ये चीज है, हर चीज के लिए हाथ यूज होते ही है, और बात करते नहीं, समय चेहरे पे भी देख, बहुत सारे एक्सपीरियंस रहते हैं एक्सप्रेशन रहते हैं मैं इमारत की एक बात मानता हूं कि आप हर चीज के लिए हाथ यूज करते हैं, अभी डॉक्टर डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर आशीष भी कर रहे थे, पहले कर रहे थे मेरे उनको, लेकिन मैंने ये बोला कि आप कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि आप कर रहे हैं, यस सर आज से आप करेंगे आपको पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं और शायद थोड़ा सा और बेटर कैसे करूं, यस सर यस एम आई सर राइट? यस करते तो सर बहुत लोग हैं, बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन
मैं ये कह रहा हूं कि आप कर रहे हैं, बट यू शुड नो कि मैं कर रहा हूं, सो दैट देर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव इट ऑल्सो, यस सर, है ना? अदर अदरवाइज अभी कॉन्शियसली यूज करेंगे सर, कॉन्शियसली आप जैसे बोल रहे कि बिल्कुल आप सिर्फ हाथ का ही नहीं है, चेहरे पे भी एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन होने चाहिए, मतलब हाथ का ही इस्तेमाल करके नहीं, आपने तो दिखाया भी कि कैसे आशीष जी ने कैसा बोला करके, वो स्माइल का आपके चेहरे पे आना चाहिए, आपने दिखाया भी होती बिल्कुल। तो क्या है कि हमारी जो पूरी बॉडी है, हाथ तो उसका उसी का बॉडी का ही पार्ट है ना, और जो स्माइल है वो भी बॉडी का ही पार्ट है, यस यस, तो ये बॉडी का ही हिस्सा है, जो सिर्फ एक जबान जो है वो आवाज बन के निकल रही है, बाकी उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी की पूरी बॉडी काम कर रही है, यस सर, ठीक है। चलिए अभी मैं आपसे इमेजिनेशन की एक्सरसाइजेस दो तीन करवाऊंगा, सिंपल सी है, ज्यादा नहीं है, और वो आपको आपके बिजनेस, फिर उसको बिजनेस से बाद में मैं जोड़ूंगा। अभी मैं ये कराता हूं आपसे, जसवंत पाजी, सत्रकाल रिकेश जी, सत्रकाल जी, सत्रकाल सत्रकाल, बहुत अच्छा लग रहा है आज जो आप बता रहे हैं और हमको बोलने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है सर। नहीं, अच्छा लगेगा सर, क्योंकि ये बड़ी सिंपल, क्योंकि मैं सबसे तो करवा नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबसे करवा रहा हूँ, लेकिन जो भी करवा रहा हूँ वो सबके लिए लेसन है ना। तो अभी आप मुझे बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली क्या करते हैं, और आप मुझे लगता है लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, उसके बाद भी आपकी देखिए इच्छा है कुछ और करने की, बेटर करने की, तो मैं पहली बात तो आपको सल्यूट करता हूँ, आपकी स्पिरिट को सल्यूट करता हूँ। थैंक यू सर। क्योंकि क्या है कि कभी भी जिंदगी में ना, जैसे मुझे बोलता है कि आप रिटायर कब होंगे, Yes. तो मैं बोलता हूँ मुझे रिटायर होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे लिए अगर रिटायर की डेफिनेशन था वो एक ही है, मेरे लिए रिटायर की डेफिनेशन है रिटायर, दोबारा थक, वेरी नाइस सर, तेरे में हिम्मत है तो दोबारा थक। तो रिटायर आदमी का मतलब ही नहीं है, रिटायरमेंट का क्या मतलब है, यू नो, टिल द टाइम योर बॉडी एंड योर स्पिरिट योर माइंड कैन डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आपकी बॉडी आपकी कमांड को ओबे कर रही है, आपने कहा उठ तो बॉडी उठ गई, आपने कहा वहां जा तो बॉडी चली गई, आपने कहा इसको ये बोल तो हो गया, आपने कहा इधर जा उधर जा ये कर वो कर फलाना कर, तो वो सब बॉडी कर रही है, तो रिटायर क्यों, वाई, वॉट फॉर, देयर इज नो नीड टू रिटायर, ऐसा मैं सोचता हूँ। आई डोंट नो मेनी पीपल थिंक मे थिंक डिफरेंटली, लेकिन आपकी आपकी मतलब आप सीनियर सिटीजन लग रहे हैं, इसलिए आपकी स्पिरिट को देखकर मेरे दिल में आया कि मैं आपको सैल्यूट करूं, और आप ये मैंने इसलिए कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरी इस बात से बाकी लोग इंस्पायर हो, यू नो, बाकी लोग इंस्पायर हो, आपकी इस नेवर से डाई जो स्पिरिट होती है, यू नो। तो अब मुझे बताइए आप अपने बारे में आप क्या करते हैं। सर, अगर मैं बचपन से शुरू करूं तो मैं एक आर्मी मैन का बेटा हूं, तो जो बचपन तो आर्मी से शुरू हुआ वहीं गुजारा, मगर फिर जब पढ़ने की उम्र आ गई तो पढ़ने के लिए गांव में छोड़ना पड़ा डैड को, क्योंकि वो डिफेंस में ऐसे होता है कि कभी कहीं जाना पड़ता है कभी कहीं, तो उन्होंने कहा स्कूल तो एक नहीं रहेगा, आज तो बड़ा बड़ा झंझट बनेगा, वहां आ गया तो स्कूल मेरे, मैं पहले भी अपनी लाइफ हिस्ट्री में बताता रहता हूँ कि मेरे गांव की जो सिचुएशन है वहाँ के लोग जो पढ़ाई को तो लाइक नहीं करते, वो चाहते नहीं कि हमारे जो बच्चे हैं जहाँ हमारे स्कूल गांव में कोई स्कूल हो, तो वो मेरे को सबसे पहले जो चैलेंज आया लाइफ में वो यही था कि जहाँ लोग चाहते नहीं और आप स्कूल कैसे जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कैसा चलेगा, तो जो मिलिट्री की तो बेशक बचपन की लाइफ होती है
फिर भी उसमें पढ़ाई तो सीख जाते हैं उन लोगों से जो आर्मी में जाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तैयार होते हैं, बूट लिसकाते हैं, हम सब देखते थे, मेरे डैड भी उन्हीं में के साथ थे, तो वो देखकर हमको लगता था कि हम भी ऐसे मजबूत बनेंगे, ऐसा करेंगे। मगर जब गांव में आ गए तो गांव में आकर यही लगा कि इसको कैसे करेंगे, मगर धीरे धीरे सभी होता गया। फिर क्या करना था, वहां भी सर मेरा ऐसा नहीं मन बना कि यहीं मैं ठहर जाऊं, गांव में थोड़ी जो गांव में रहने वाले लोग हैं और पंजाबी हैं, उनको आपको पता, या तो उनके पास थोड़ी जमीन है उस पे काम करते हैं, नहीं तो जो जमीन है जिनके उनके पास काम करते हैं, तो ये चलता था। मगर मैं उसको जो नहीं कर नहीं सकता, उससे कह सकते हैं कि कोऑपरेट नहीं कर सका। और मैं हमेशा चाहता था कि कुछ नया हो, नई चेंज हो, बेशक मेरे को किसी तरह की कोई ऐसा नहीं था कि मेरे घर में किसी चीज की कमी थी, खाना पीना रहना हर चीज मेरे को पूरा मिल रही थी, मगर मैं वहां सेटिस्फाई नहीं था वेरी अपने गुड, आप वेरी से। तो गुड इसीलिए सर। मैं आगे बढ़ता गया और जहां तक पहुंचा हूं वो तो कहानी लंबी हो जाएगी। अभी आप बता रहे थे ना जैसे ये कॉलर की बात, तो मेरे को याद आ रहा था कि हम पहली बार जब मैं पंजाब से ये कोलकाता आया हावड़ा मेल में, तो वहां हमारे पास किसी आदमी ने हमको थोड़ा डायरेक्ट किया कि आप वहां चल जाओ, वहां एक आदमी आपको मिलेगा, वो आपको गाइड भी करेगा, तो इतने पैसे ले लो। दो दो हम फ्रेंड थे, दोनों के पास उन दिनों में 10-10 हजार रुपया था, और 10 हजार बहुत होता है, मगर वो रखेंगे कहाँ, कैसे करेंगे। तो हमने यही सबसे बड़ी बात, हमको जो ना जा आपने जैसे कॉलर की बात बताई, इस बात का पता था कि जिस आदमी के पास जेब में पैसे होंगे वो हर बार ऐसे करेगा कि मेरी जेब पर पैसे हैं, और आपको पता नहीं होगा ना, तब भी पता चल जाएगा इसकी जेब में कुछ है जो ये हाथ पकड़ रहा है उस चीज को। तो हमने यही प्लान बनाई दोनों फ्रेंड्स ने, और हमको जो सीट भी मिली वो बिल्कुल दरवाजे के साथ ही है ना, जब जहां दरवाजा एंट्री के लिए खुलता है वहीं थी। तो अब क्या करें, जहां तो कोई भी आदमी आ सकता है, और हमारे पास एक बैग ही था, और बैग को उठाकर कहीं भी उतर जाए, जाए एक धक्का हमको दे और बाहर निकल जाए तो हम कैसे पकड़ेंगे, और वो ही हमारी पूंजी थी। तो हम दोनों ने यही कहा कि इसके बारे में हम बैग में डाल दिए वैसे, मगर उसको ध्यान दूर से देख रहे थे, मगर उसको ऐसे नहीं कर रहे थे कि हर बार जाकर उसको करें। और ये जो मेरा बात है ना, आपको बताऊं कि अभी तो सबको पता है कि मैं वहां से चलकर ये स्विट्जरलैंड में पहुंचा, इसी को मैंने बहुत यूज किया। हम दोनों ब्रांड थे, हम दोनों इकट्ठा रहे, तो रात को भी जब कहीं सोना होता, कहीं जाना होता, तो यही होता था कि बैग हमारा कहीं पड़ा होता था, हम दूर घूम रहे होते थे मगर लोगों को नहीं पता होता था, जब कोई उठाने जाएगा हम उससे पहले पहुंच जाएंगे, भाई ये हमारा बैग है, मगर ऐसे नहीं करते थे कि उसको पकड़े रखें तो लोगों को पता होगा इसके बैग में कोई शायद होती, ये ऐसे पकड़े रखा था। तो ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट आपने जब बताया तो मेरे मन में एक दम आया कि वो बात सर जो अभी कर रहे हैं, आप में कोई बेशक वो कह रह सकते हैं कि आपके पास कोई चीज है ऐसी वैल्यूएबल जब कीमती चीज है, जहां आपके पास कुछ और है जिसको आप छिपाना चाहते हैं, जहां अपने आप के पास रखना चाहते हैं, तो वो अपने आप लोगों को हो जाता है। तो ये बात आपकी मेरे को और भी अच्छी लगी जो आपने रिटायर होने के बाद की बताई। मैंने भी पंजाबी हूँ, पंजाब के लोग तो रिटायर होते नहीं, आपको पता है रिटायरमेंट तो उनकी लाइफ में है ही नहीं कहीं, सुबह से शाम तक। वो भी मेरे को याद है कि जब सुबह चांद निकलता था ना रात को, तो तब से मेरे पूर्वज जो मेरे ग्रांड डैड थे वो जाग पड़ते थे, और जब सूरज से छुप कर अंधेरा हो जाता था दिखने तक वो काम कर देते, है ना।
तो ऐसे ही हमारा था खेलने का। हम भी सुबह स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, खेलने का पढ़ने का ऐसा होता था कि पता नहीं होता था कि दिन कहाँ चढ़ा और रात कहाँ चली गई, बिल्कुल और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, या बहुत बीत जाता था। तो बिल्कुल रिटायरमेंट का तो आता ही नहीं था सर। तो जी जहां भी बिल्कुल आकर जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने लोगों से जय बोले, अभी तो तू रिटायर हो गया। मैंने कहा यस, मैं जो सर्विस से रिटायर हुआ हूँ, आई एम रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, है ना। वेरी मैं राइट थका नहीं हूँ जिंदगी में, है ना। तो आगे बढ़ना है कैसे, ढूंढते ढूंढते मैं अभी सलमान सर के फॉर्म पर पहुंच गया। दोनों बातें हैं, उन्होंने मेरे को ढूंढ लिया, क्यों वो कहते हैं ना आकर्षण होता है, उनको जी मेरा जी जी आकर्षण था तो मेरा उनके साथ था। तो अभी इसी फॉर्म पर हैं और आपसे भी उन्होंने मिलने का उन्होंने उन्होंने चांस मिला है अब। मुझे भी ढूंढ लिया, सलमान सर ने मुझे भी ढूंढ यस के आपके साथ यस, जोड़ दिया। आपने ढूंढ लिया हमको और चांस मिल गया। और मैं नहीं आपको थोड़ी बात करता जा रहा हूं कि देखो, जो ना फिल्म्स हैं, ये फिल्म तो पंजाब में, जब गांव में तो इसका नाम ही सुना, बहुत कम लोगों ने सुना है, उसमें मैं भी था। फिर देखने का कोई ऐसा जरिया नहीं होगा, सिनेमा तो शहर में होता था, शहर में जाएंगे कैसे, कोई रास्ता नहीं कोई, और फिर जो पेरेंट्स से इजाजत लेनी भी बड़ी मुश्किल होती थी। आज तो बातें जो आप बता रहे थे ना, नेट पर है, कहीं भी बटन दबा लो और कहीं भी देखने लगो, चाहे कहें, मगर उन दिनों में तो ये बातें नहीं थी। तो हमने तो अभी जो बात कर रहे थे उस टाइम में सुन रहा था, तो मैं कहा सर को बताऊंगा कि सबसे पहली फिल्म कॉलेज में जाकर, 1 साल कॉलेज में हो गया, जब ब्रिज यूनिवर्सिटी उसको कहते थे कि पहली क्लास को जो कॉलेज 10th मैट्रिक के बाद, तो तब हमने देखी। वो भी कौन, जो वहां के लड़के थे ना शहर के, उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई। तो उन्होंने कहा तू क्या करता है, सुबह से कॉलेज आता है सारा दिन, जो साइंस स्टूडेंट होते हैं ना उनका ऐसा होता है रूटीन कि सुबह सबसे पहले आते हैं और सारा कॉलेज बंद हो जाता है तो फिर जाते हैं, क्योंकि तो उन्होंने पहले तो जो एजुकेशन पढ़ाई करनी होती है, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल होते हैं, जब प्रैक्टिकल खत्म होते हैं तो सभी लोग जा चुके होते हैं। वो जो गेट का पर्सन होता था ना, वो कहता है यार अभी जाओ, मैं गेट बंद करना है, मैं भी घर को जाना है। तो वाह वाह वाह, आपकी अब बातें सर, मजा आ गया आपकी बातें सुनकर। और आपके पास तो पूरा पिटारा है बातों का, बड़ी आपने बिल्कुल खूबसूरत खूबसूरत जिंदगी जी। और बल्कि मैं तो कहूंगा कि मुझे भी शायद आपसे सीखने का, शायद क्या पक्का आपसे कुछ सीखने का मौका जरूर जरूर मिलेगा, है जरूर सर जरूर, ना। लेकिन और मैं आपसे अभी बहुत सा आपने सीखूंगा आपने जी आपने अभी जितने भी बातें कही हैं सारी कही हैं मेमोरी से, ठीक है। जी लेकिन सर जी अब मैं आपको देता हूं एक एक्सरसाइज, यस ठीक है। सर अभी अभी आप जो कुछ भी बोलेंगे, देखिए जी सर आप तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने बोला है जी नॉन जी स्टॉप, या लेकिन जितना भी बोला है एफर्टलेसली बोला है, मेमोरी से बोला है, ठीक जी जी सर है ना। अब मैं जी जी आपको देता हूं एक एक्सरसाइज, ओके। अभी जी आप 1 मिनट तक बोलेंगे और उस 1 मिनट में मैं आपको 3 वर्ड देता हूं, वो 3 वर्ड आपके करीब हैं, आपके करीब हैं 3ों वर्ड। मैंने आपकी बातें यस सुनकर मेरे अंदाजा लगा लिया है। एक है आर्मी, जी एक है स्कूल, जी एक है दोस्त। या ये 3 वर्ड लगातार इन बातों में आने चाहिए, जो भी आप बोलेंगे 3 वर्ड आते ही रहने चाहिए। अब बोलिए, जो मर्जी बोलिए। यस सर, तो जब हम बचपन मेरा आया, वो आर्मी मेरे डैड थे जो मिलिट्री में थे, और उसी टाइम हमको स्कूल जाना भी होता था। स्कूल जाने के लिए मैं क्या करता था कि जो लोग जा रहे होते थे पहले स्कूल, उनके पीछे भागता था कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, मगर मेरी उम्र नहीं इतनी थी, और नहीं मगर नहीं 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 वो जी आप ये 3 वर्ड आते रहने चाहिए, आर्मी, हर स्कूल और दोस्त, सेंटेंस में आने चाहिए, है ना। बिल्कुल आने चाहिए। अब तभी वही तो यस मजा है, नहीं तो आपने मन से यस फिर बोले, वो तो आप वही रिपीट करेंगे जो पहले बोला आप। यस सर यस सर
यस अब देखिए, अब जोर जोर पड़ा है इमेजिनेशन पे। यस सर यस। बोलिए। तो कैसा होता है अगर आप आर्मी में हो या आर्मी मैन के बेटे हो तो आपको स्कूल जाना हो, और स्कूल जाने के बाद आपको दोस्ती किन लोगों से होती है, वो कौन लोग दोस्त बनते हैं? यही सबसे अच्छी बात आपको जानने है कि आर्मी का जो लोग हैं उनका रूटीन सुबह से शाम तक क्या होता है, और उसी के साथ आपका रूटीन कैसा बनता है। स्कूल के लिए जाने के लिए आप सीख जाते हैं, और आपके जो दोस्त बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं जैसे आर्मी के पर्सन होते हैं, वैसा ही आपका रूटीन बन जाता है। और यही बात है कि आर्मी के लोग सुबह उठकर शाम तक आपकी जो आदतें चलिए, हैं, ओके हैबिट्स हैं, वो ओके भी ऐसी ओके बन जाती ओके हैं। ओके 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 ओके। यस सर। अभी अभी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा आपके दिमाग पे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा यस पड़ा, ठीक है ना। सर। वो थोड़ा सा इसलिए पड़ा क्योंकि आपकी आर्मी की बैकग्राउंड है और आप स्कूल में गए थे और आपके दोस्त यार भी अच्छे थे, ठीक है। जी अब मैं थोड़ा सा और प्रेशर डालता हूँ आपको, जी यस सर। है ना। जी अब वो जी प्रेशर ये है कि बिजली का बल्ब, जी फुटबॉल ग्राउंड और यूएसए, अमेरिका। जी अब इनके बारे में बोलिए। बिजली का, बिजली का बल्ब, फुटबॉल ग्राउंड और यूएसए, अमेरिका। और यूएस। जब बिजली का एक खंबा जो हमारे जो फुटबॉल ग्राउंड में लगा हुआ था, वहां से हम ये खेल के देख रहे थे, तभी एक लोग अमेरिका से आया हुआ लड़का वो कह रहा था, अरे ये तो ऐसी बन गया आपका खेलने का प्ले ग्राउंड जैसे फुटबॉल ग्राउंड जो है तो जैसे अमेरिका में होता है। तो मैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। हम तो सोच रहे थे कि हम एक गांव में खेल रहे हैं, वो बिजली का खंभा भी बहुत हमको कोई इतना यही था कि उसकी लाइट है, मगर उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ये बिजली के खंभे चलिए, से ओके बल्ब ओके, है, गुड गुड बल्ब गुड पर गुड आप बात। गुड गुड थैंक यू गुड गुड सर, गुड गुड। जसवंत जी, वेरी गुड थैंक यू वेरी सर। गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी ये एक्सरसाइज मैं, और कौन है आज हमारे साथ? सलमान सुभाष साहब, जी हैं अरे सर, सुभाष सुभाष जी जी हैं, आज ही आ स्वाति गए जी, हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे और लोग। कहीं सुभाष से तेरा हो? जी सर, हाँ, स्वाति गुप्ता स्वाति गुप्ता जी कहाँ हैं, नजर नहीं आ रही मुझे। स्वाति जी कहाँ हैं आप? एक मिनट, वाई कांट आई सी? सर। सर एक मिनट, yes. मैं उनको पिन अभी अभी पॉइंट दिख रहा है, करता मैंने हेलो हूँ। अभी देख सकते हैं क्या सर? स्वाति जी, कैन यू सी मी, कैन यू सी मी? यस सर, यस सर। है, हाँ। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों। मेरे 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 स्क्रीन पे खाली 6-7 लोग हैं, वही हैं बहुत देर। नहीं, हम लोग टोटल मुझे 10 दिख रहे हैं, अच्छा, हाँ और जैसे कोच एनपीएस सर का कैमरा बंद है देखिए, इसलिए हाँ वो नहीं दिख रहा है। अभी हाँ अभी सर, देखिए, देखिए अभी आप दिख मैं रहे हैं। उसको उनको स्पॉटलाइट पे डाल दिया सर। हाँ जी हाँ स्वाति जी, आप कहीं ठंड में बैठी हुई हैं? हाँ सर, मैं यहाँ पर यूके रहती हूँ, यूनाइटेड किंगडम में। तो अच्छा, हाँ, तो मैं अपनी बेटी को लेकर आई थी, तो मुझे लगा पता नहीं क्लास निकल गया है या फिर कहाँ तक पहुंचे हम, तो इसीलिए। तो अभी तक आपने मुझे बताइए कि, और बाकी लोग भी बताएं जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, यस कि सर, अभी तक जो यस कुछ सर। मैंने बोला उसमें से क्या क्या आपको समझ में आया? अभी बात समझ में आ रही है आपको जो मैं यस कह रहा सर। हूँ? तो मुझे, मैंने जहां तक सुना था तो सर से पहले आपका कन्वर्सेशन चल रहा था, तो कुछ शायद 3-4 मिनट आपने जसवंत सर से बात की थी, फिर आपने उनको कुछ वर्ड्स दिए। पहले तो हेलो, शायद उनको फ्लो में आपने बोलने को कहा था, क्योंकि वो फ्लो में बोल रहे थे, तो मतलब जितना भी उनको याद था तो आप शायद फ्लो चेक कर रहे थे, फिर उसके तो बाद। स्वाति जी, मैं आपसे ये बोलता हूं कि आप बोलिए। मेरे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए, संक्षेप में, ओके शॉर्ट में। ओके जी सर। तो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वाति गुप्ता,
एंड आई एम फ्रॉम आगरा यूपी। और मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी एमबीए किया हुआ है। एंड उसके बाद मैंने एमबीए के बाद मैंने जॉब की, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें रहती हैं, मतलब फाइनेंस कम इट वाज सेल्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। उसके बाद आफ्टर माय मैरिज मैंने एक अपना क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। और क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मुझे मौका मिला 2020 में मार्च में यूके आने का। और उसके बाद लॉकडाउन हो गया था एंड बहुत सारे बिजनेस में फेलियर्स थे, तो मुझे अंदर से मतलब एक ये था कि मुझे पीस चाहिए, या मुझे एक अपनी चीजों को सही डायरेक्शन में ले जाना है, आई एम नॉट एबल टू ग्रो। फिर मुझे जो हीलिंग्स है, मेडिटेशन है, ये अच्छा, मतलब ये सब कुछ मुझे सीखने का मौका मिला, जो कि ब्लेसिंग है मेरे ऊपर गॉड की। और फिर उसके बाद ये जर्नी तय करते करते मुझे लगा कि मुझे बिजनेस के लिए भी कुछ सीखना है। मैंने इतनी सारी चीजें तो सीख ली, ओके लेकिन मुझे ओके 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 सर जी ओके। जी सर। अभी मैं आपको 3 वर्ड दूंगा, उसके ऊपर आपको बोलना है, ठीक है? वो तीन जी वर्ड हर दूसरे सेंटेंस में आने ही चाहिए, उनमें से एक वर्ड तो आना ही चाहिए। ओके ओके। ओके, वो वर्ड है मनी, ब्रेड, ब्रेड। ब्रेड ब्रेड ओके एंड हाँ नाइफ, चाकू, नाइफ। नाइफ। जल्दी ओके बोलिए, ओके जल्दी बोलिए, ज्यादा मनी ब्रेड एंड चाकू। ओके सोचे मत, सोचने का सो टाइम नहीं। मनी मनी हमारे लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ब्रेड भी खरीदना हो तो भी मनी चाहिए, और चाकू भी खरीदना हो तो भी मनी चाहिए। और मनी मुझे कमाना बहुत पसंद है, इट्स माय पैशन, क्योंकि मनी बनाकर मुझे पता है कि कितने लोगों की हेल्प हो सकती है। और मनी एक ऐसी चीज है कि अगर अगर मैंने अच्छे से बना ली, तो मुझे पता है कि मनी के द्वारा मैं दान धर्म सब कुछ कर सकती हूँ, मनी के द्वारा मैं हेल्प कर नहीं सकती नहीं हूँ, नहीं मनी आप के ब्रेड द्वारा ब्रेड ब्रेड भूल गई, ब्रेड। आप नाइफ को भूल ओके गई। ब्रेड, नाइफ और ओके मनी हर दूसरे सेंटेंस में आनी चाहिए। ओके 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 ये ओके नहीं कि आपने मनी को पकड़ा तो मनी, वो तो मैं भी बोल सकता हूँ, मनी के ऊपर आधा घंटा बोल सकता हूँ। ठीक है सर। ओके दोबारा से शुरू करें। ओके तो ठीक है सर। मनी मनी मुझे कमाना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि मनी से ब्रेड ओके खरीदा अभी जा आप सकता ओके है। सुनिए सुनिए मेरी बात, अभी क्या कर जी रही हैं आप, इसको ना फर्स्ट पर्सन में बोलो, कैसे। आप इसको फर्स्ट पर्सन में बोल रही हैं हाँ कि मनी मुझे ओके कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे ब्रेड खानी है और मुझे अगर नाइफ भी खरीदना हो तो भी मुझे मनी चाहिए, ब्रेड आएगी तो मैं उसको नाइफ से काटूंगी, एम आई राइट? या फर्स्ट पर्सन में बोल रही हैं? जी अभी फर्स्ट पर्सन निकाल दीजिए। ओके ठीक है। एक बार एक आदमी था, उसके पास बहुत मनी था, यहां से शुरू स्टोरी कीजिए। अब जी बताइए ना, क्योंकि देखिए क्या है, हमने ना अपनी इमेजिनेशन को बांध के रखा हुआ जी है, उसको हम खोलते नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पिटारा है। हम एक्टर 24 घंटे खोलते रहते हैं। एक्टर की जो फिलॉसफी है, उसकी लाइन पता क्या है? जी एक्टर की फिलॉसफी है कि आई एम टेलिंग द ट्रूथ इवन ओके व्हेन आई एम लाइंग, ओके मैं झूठ भी इतनी सफाई से बोलता हूं कि वो सच नजर आता है, और मैं उसको मान लेता हूं, बस मैं सच ही बोल रहा हूं। और हर हर एक्ट, जो भी आप फिल्म देखने जाते हैं, आप कोई भी फिल्म देखने जाते हैं, आप इस बात को ध्यान से सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। आप जो भी पर्दे पे देख रहे हैं, वो आदमी रियल लाइफ में वो तो नहीं है ना जो वो दिखा रहा नहीं है, जी लेकिन उस समय जितनी देर वो पर्दे पर है उतनी देर वो सच बोल रहा है, वो झूठ भी सच्चाई से बोल रहा है। तभी तो आपको, आप क्या, आपके ऊपर उसका असर हो रहा है, तभी तो आप उसके साथ रो रही हैं, उसके साथ हंस रही हैं, उसके गम में आपको तकलीफ हो रही है, उसकी खुशी में आपको खुशी हो रही है, उसका बच्चा दुखी हो तो आप दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो जितनी देर सामने है उतनी देर वो वही है। वो झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना सच्चाई से बोल रहा है कि वो सच नजर आ रहा है। ओके करेक्ट करेक्ट है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में झूठ ही बोलते रहिए। सी, अगर अगर आप एक सेल्समैन हैं, आपकी एक बहुत बड़ा शोरूम है और आपके पास कस्टमर आया है, तो ये नहीं, आप झूठ तो नहीं बोल सकते ना कि साहब ये जो सोफा है ये 10 साल चलेगा, हालांकि उसकी लाइफ जो है वो 6 महीने भी नहीं है, यू नो ऐसे बोलेंगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी।
लेकिन अगर आप उसको इसको इतना सफाई से अच्छे तरीके से बोलेंगे तो वो बिक जाएगा। अभी बोलिए कि फर्स्ट पर्सन से मत बोलिए। एक आदमी था, उसके पास मनी था, उसको आगे ब्रेड भी जोड़ना है इस कहानी में, आगे नाइफ भी जोड़ना। अभी जोड़िए तो सारे वर्ड्स मतलब आते रहने चाहिए हर उसमें। ठीक बिल्कुल। है, और ओके, आपकी कहानी नहीं ठीक है ये, आपकी कहानी नहीं है ठीक ये, है, ठीक है, आपकी, हाँ, आपके किसी सहेली की कहानी है, बताइए। ठीक है, ओके। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ एक अपने फ्रेंड की कहानी, और उसको मनी चाहिए थी क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए ब्रेड चाहिए थी। और फैमिली के लिए तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि ब्रेड लाना कितना जरूरी है। हम सब लोग ब्रेड, बटर और नाइफ इन सभी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो उसने उस मनी को पहले मनी को कमाने के लिए बहुत ज्यादा मजदूरी की, फिर शाम को जाके वो ब्रेड खरीद कर लाया। और ब्रेड खरीदने के बाद उसे लगा कि वो उस एक ब्रेड को सारे लोगों को नहीं दे सकता था, तो उसको लगा कि उसे एक नाइफ भी चाहिए होगा। तो उस आदमी ने फिर एक नाइफ भी खरीदा, और फिर अगेन उसको उसके लिए वो मनी और ब्रेड और ये नाइफ खरीदने का काम इसी तरीके से चलता रहा। और वो उसके बाद उसके चलिए, बाद ओके 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 ओके, सी इट इज जस्ट प्रेशराइजिंग योर माइंड फॉर इमेजिनेशन। ओके, अब यस यस ये मैं अभी सुभाष डेडा जी सामने हैं। सुभाष जी, जी सर, नमस्कार। हाँ, गुड इवनिंग सर। अब तक आपको जो भी मैंने बताया वो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे। जी सर, जी बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं अपने बारे में इसलिए आपको बोलने बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा खुल जाए, यू नो, थोड़ा सा आप ओपन हो जाए। जी, नमस्कार सभी सफल परिवार के सदस्यों का। मैं सफल सुपरदार और सुभाष चौधरी सुनिए दिल्ली सुनिए से। सुनिए सुनिए सुनिए, जी जिसको भी सर, बोलने को, जिसको भी बोलने को बोलता हूँ। अभी स्वाति जी ने बोला मेरे सामने, लेकिन स्वाति जी फिर अपने हाथों को इस्तेमाल करना भूल गई। यस सर, सर मैं फोन पकड़ी हुई थी। नहीं, जो भी है आप भूल गई। तो यस ये जो जो लेसन मैं सिखा रहा हूं, जो जो सिखा रहा हूं, उसको इनकॉर्पोरेट करते जाइए। यस हाँ, बोलिए सुभाष जी। मैं सफल चौधरी दिल्ली से। और सर मेरा अपना जो है रियल एस्टेट का काम है, और पिछले जब से मैंने अपने जीवन में होश संभाला है तो अपना यही है कि दिल्ली के नजदीक हमारे जो किसान परिवार से थे, तो हमारे खेत शुरू से ही प्लॉटिंग में तब्दील होने लगे हुए थे, तो शुरू से ही हम प्लॉटिंग में ही चले गए। और आज जो जीवन में हमने बहुत लोगों को, जो दिल्ली में लोग आते थे जो रेंट पे रहते थे, तो उनकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि वो अपना मकान बना लें, और उनको ये गाइडेंस देते हैं कि आप अगर दिल्ली में रह के अपना पेट भी पालते हैं, लेकिन उसके अलावा आपने मेरे अगर को सौ लाइट दो बंद सौ है, अब मेरे को प्लॉट तंग भी मत कर, लीजिए, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट आप मी। जो है जब गांव में कभी उससे भी कुछ जाएंगे फोन ही कर दिल्ली रहा में है उसको रहते, तो परेशान। कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए के वर्थ लेके तो जाएंगे ही। तो आप कोशिश करें कि दिल्ली में आई हो तो कम से कम कुछ ना कुछ प्लॉट, फ्लैट, कुछ ना कुछ एक ऐसी अर्निंग की सोर्स भी रखें जिससे आपको जीवन में आगे बढ़ने की भी सुविधा होगी सर। और अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो उसे रेंट पे भी देके आप भविष्य में अपना घर की गृहस्थी का काम भी चला सकते हैं। जब आप बुढ़ापे में आएंगे, कोई बच्चा आपको खाना नहीं देगा, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको रेंट के रूप में भी प्रॉफिट देगी। तो सर यही था कि जिन लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया सुभाष जी, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक अभी आपका प्लॉट का और प्रॉपर्टी का धंधा है, ठीक है, यू मैं जी। आपको इससे दूर ले जाता हूँ। अभी आप मुझे जो बोलेंगे उसमें तीन शब्द आने चाहिए, ठीक है। एक आना चाहिए न्यूक्लियर साइंस। हेलो, साइंस न्यूक्लियर, न्यूक्लियर साइंस, सर न्यूक्लियर साइंस, हाँ जी, ये तीन वर्ड जी, आने चाहिए, न्यूक्लियर साइंस, फिर सोलर सिस्टम, सोलर जी सिस्टम, जी और आपका जूता। जी जूता जूता, अब आप बोलिए। जी। आज हमारा देश इतनी तरक्की कर चुका है कि न्यूक्लियर साइंस जो हमारी इतनी तरक्की कर रही है कि
जो जंगलों में जो जमीन है उन पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, और वहां पे जब जाते हैं तो उनमें हमारे जूते जो हैं वो रेत में धस जाते हैं, इतनी ऐसी जमीन पे भी सोलर प्लांट बनाए जा रहे हैं जहां पे जूतों में भी रेत भर जाता है। और एक न्यूक्लियर साइंस की वजह से तरक्की कर रहा है देश की, आज जो सोलर प्लांट से जो पूरे देश में बिजली की उत्पत्ति हो रही है, कि जहां आप अगर चाहोगे तो वो खेती के मतलब की भी जमीन नहीं है, और उसमें जो है आप अगर जाओगे तो आपके जूते भी धस जाएंगे, आप खुद के कपड़े भी वहां धस जाएंगे, और फिर भी एक सोलर प्लांट की वजह से पूरे देश में बिजली की सप्लाई हो रही है, और हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। हर इंडस्ट्री के लिए बिजली होना बहुत जरूरी है, तो ये न्यूक्लियर साइंस की बदौलत है कि आज सोलर प्लांट की वजह से भी हर आदमी को लाइट की सुविधा मिल रही है सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सुभाष जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आप मुझे बताइए, आप अपने आप से सरप्राइज हुए कि नहीं हुए कि जी सर, यार ये मैंने कैसे फटाफट बोल दिया। जी हाँ अच्छा, अभी अभी हम क्या करेंगे, एक गौरव जी कुछ नहीं बोले। गौरव जी हैं क्या लाइन पे? गौरव आर यू देयर और नॉट? हैं। हाँ गौरव से कुछ नहीं करवाया मैंने, बाकी सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ करवा चुका हूँ। सर आप अपने सुभाष बारे में रूप फतेह जी भी है, सुभाष क्या? रूप फतेह जी और गौरव जी रहे। गौरव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। ओके हाँ जी, मैंने आ कर रखा है। नमस्ते सर, नमस्कार। यस नमस्कार सुभाष, गौरव जी। यस, आई होप आई एम ऑडिबल। हाँ यू आर ऑडिबल। ओके एक्सलेंट सर, यस तो सर। मुझे आप आप बताइए बताइए सर। थोड़ा। ओके सर, मैं हूँ सफल सुपरस्टार गौरव कुमार, और मेरा नमस्कार है सारे सफल परिवार को। मैं हूँ 10x कैश फ्लो स्ट्रैटेजिस्ट, जिसमें मैं बिजनेस ओनर्स को हेल्प करता हूँ उनके कैश फ्लो को 10x ले जाना, मिनिमम विद इन 24 आवर्स एटलीस्ट 90% एंड मैक्सिमम 9000%। एंड आई हैव बैकग्राउंड ऑफ 20 ईयर्स ऑफ वर्किंग इन टू आई टी। सो दिस इज अ क्विक ब्रीफ। आई एम बेस्ट सेलिंग ऑथर एज वेल। माई बुक हैज बीन साइंस फिक्शन अमेजॉन इंडिया बेस्ट सेलिंग। गुड, कहाँ गए आप, गायब हो गए लेफ्ट हो गौरव गए जी? सर, लेफ्ट हो गए, लेफ्ट हो गए सर, नजर नहीं आ रही। अभी सुभाष रूपते जी आ रहे सर नजर। हाँ सुभाष जी, आप कुछ बोलिए अपने बारे में। सुभाष रूपवते मुंबई में रहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ और अपनी ड्यूटी सवेरे से 6 से लेके शाम के 7 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, और रात को फिर सेशन करता हूँ। सवेरे सर का सेशन देता है 6 बजे, वो भी करता हूँ। वाह और बहुत अच्छे। और कौन सा बिजनेस का आइडिया जो रहता है वो आइडिया मैं लेना चाहता हूँ, और बिजनेस के लिए अपनी तरक्की करना चाहता हूँ बिजनेस में भी। चलिए और आप, जो भी सीखने को मिलता है वो सीखता हूँ। ये तो बहुत अच्छा करते हैं आप, बहुत अच्छा करते हैं। अरे चलिए अभी हम ऐसा करेंगे, अभी हम ऐसा करेंगे कि यस अभी हम सॉरी सर, आई कुछ वाज ड्रॉप्ड, आई एम बैक विद हाँ, मेरा बोलिए बोलिए। सिस्टम। सो दिस वाज क्विक इंट्रोडक्शन फ्रॉम फ्रॉम माय एंड। या सो दैट्स इट सर। मैं तो गौरव, आई विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सरसाइज। यस सर, ओके आप सब सुन रहे हो ना मेरी बात, सब लोग हैं मेरे यस साथ? हाँ यस मैं गौरव को यस एक अलग एक्सरसाइज दे रहा हूँ। जी सर। गौरव, कि किसी का बच्चा है ऑनलाइन कहीं पीछे करके? स्वाति जी, कुड यू प्लीज सी हु इज ऑन, रिक्वेस्ट टू बी म्यूटेड। किसी का बच्चा ऑनलाइन, कुछ लोग बात कर रहे हैं तुझे पता। अभी अनम्यूट कर लीजिए सर, मैंने म्यूट कर दिया था सबको, अभी अनम्यूट कर लीजिए आप। राकेश सर हैज टू बी अनम्यूटेड एज वेल। राकेश सर अनम्यूट यस करिए आप। हाँ जी, कैन यू हियर मी? यस सर, लाउड यस एंड सर क्लियर।
तो गौरव जी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसके आगे उसको बढ़ा दीजिएगा। जी ठीक है जी सर। कहां? हाँ, कल रात को मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला, बहुत जोर से बारिश हो रही थी और मेरे वाइपर चलने बंद हो गए, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और मुझे कोई 25-30 किलोमीटर जाना था। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे पहुंचूंगा अपनी मंजिल पे। मुझे अपने सर somehow you have been राकेश सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश सर पूरी तरीके से सुन नहीं पाए आपको हम सभी। अभी अभी सुन रहे हैं क्या? जी यस सर, यस सर आवाज आ रही है। अभी सुन रहे हैं? जी हाँ जी यस अभी क्लियर है आवाज। मैं कल रात को अपनी गाड़ी लेके निकला, बहुत जोर से बारिश हो रही थी, मेरी गाड़ी के वाइपर नहीं चल रहे थे, मुझे 30-40 किलोमीटर दूर जाना था मेरे भाई से मिलने जिसकी तबीयत खराब थी। मेरी गाड़ी जैसी हाईवे पे पहुंची मेरी हेडलाइट भी बंद हो गई और फिर उसके बाद बोलिए हेडलाइट तो बंद हुई हुई, ऊपर से इतने जोर की बिजलियां कड़क रही थी भाई साहब, मेरे तो समझ लो तोते उड़ गए। और भी 30 किलोमीटर मुझे तय करना था लेकिन मेरा भाई भी वहां पे वेट कर रहा होगा ये सोच करके मेरे एक्सेलरेटर पे पैर बढ़ते ही जा रहे थे और कुछ भी दिख नहीं रहा है, मैं अंधेरे में चला रहा हूं। आप इमेजिन करें क्या हालत हुई रहेगी मेरे अंदर और रोड पर क्या हालत हुई रहेगी। धीरे धीरे ऐसा लगा मानो जैसे रोड भी दिखने बंद हो गए हो क्योंकि पानी भर आया था थोड़े ऊपर तक। मेरे टायर जो है शायद वो छींटे ज्यादा उड़ा रहे थे, आजू बाजू से गाड़ियां भी जा रही थी, जो मध्यम सी लाइट आती थी जो आपने देखा होगा कभी हेलोजन वाली लाइट आपको हाईवे पे दिखाई देती है, उन लाइट का सहारा लेकर मैं 1 किलोमीटर बढ़ा, 2 किलोमीटर बढ़ा और पता है आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जस्ट मैं राइट साइड से जा रहा हूं और लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम लेफ्ट में जो हमारे टू वेज होते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट में मुझे एक एम्बुलेंस पलटी हुई मिली और मेरा दिल ऊपर नीचे क्योंकि मुझे एक फोन भी आया था घर से कि भाई को हॉस्पिटल ले जाने वाले हैं। मेरे जेहन में ना जाने इतने सारे विचार कौंध उठे, पूरे तूफान की तरह मेरे हाथ पैर कांप उठे, लेकिन एक चीज बंद नहीं हो रही थी, वो थी लगातार एक्सेलरेटर पे पैर मेरे दबते ही जा रहे थे। जितनी तेजी से पैर दब रहे थे एक्सेलरेटर की ओर उतनी तेजी से दिल धड़क रहा था, ना जाने ये सोचकर कि आगे क्या होगा। आप अनुमान लगाइए अगर आप उस जगह पे होते तो आप क्या करते। बहुत अच्छे थैंक्स। ऐसा आप राइटर है, आपने किताब लिखी हुई है, मैं समझ गया। अच्छा चलिए अभी अभी मैं एक ऐसी एक्सरसाइज देता हूं जिसमें हम दो लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है? दो लोग इन्वॉल्व होंगे। अनीता जी और स्वाति जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। दो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या सर की? जी राकेश सर की आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो हेलो यस सर। अभी अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? यस सर आ रही है मेरी आवाज। आ रही है? यस सर। स्वाति जी आपको आ रही है? यस सर। ओके 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 ओके। अभी अनीता जी। यस सर। आप बोलेगी जाओ जाओ यहां से जाओ। ओके okay. कहीं और जाओ, जाओ जाओ यहां से जाओ, कहीं और जाओ। ओके okay? ओके okay. और स्वाति जी आप बोलेगी क्यों जाऊं यहां से, क्यों जाऊं कहीं और क्यों जाऊं। ओके okay.
क्यों जाऊं, यहाँ से क्यों जाऊं, कहीं और क्यों जाऊं। अनीता जी आप क्या बोलेंगी? जाओ 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 यहाँ से, जाओ कहीं और, जाओ कहीं और जाओ। अभी देखिए आप भूले ना, आप इस बात को भूले ना, इसका सिंपल फॉर्मूला है जी सर, कि आपको तीन चीजें बोलनी है, दो नहीं तीन जी। पहला है जाओ जाओ, यहां से जाओ, यहां से जाओ। तीसरा है कहीं और जाओ, कहीं और जाओ। ओके, कितनी चीजें बोलनी है? तीन चीजें। कौन कौन सी तीन चीजें? जाओ जाओ, यहां से जाओ, यहां से कहीं और जाओ, कहीं और जाओ जी सर। ठीक है जी सर। तो अभी आप इस बात को भूलेंगी नहीं, पहले आप, आपको याद नहीं था कि दो है कि तीन है, तो आप वो भूल गई थी, लेकिन अभी आपको मेंटली ये याद यहाँ पर ब्रेन में रहेगा कि मेरे को तीन चीजें बोलनी है जी सर, जाओ जाओ, यहां से जाओ, कहीं और, कहीं और जाओ। स्वाति जी आपको बोलना है क्यों जाऊं, क्यों जाऊं, क्यों जाऊं, क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, कहीं और क्यों जाऊं, कहीं और क्यों जाऊं। स्वाति जी बोलिए क्यों जाऊं, यहां से क्यों। एक मिनट अनिता जी आप बोलिए पहले जी सर, जाओ जाओ यहां से जाओ, कहीं और क्यों जाओ। नहीं नहीं पहले उनको बोलने दीजिए। ओके स्वाति जी आप, आपका रिप्लाई है, ओके उनकी बात को आप रिप्लाई करेंगे। बोलिए अनिता जी। जी सर, जाओ जाओ यहां से जाओ, कहीं और जाओ। क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, यहां से कहां जाऊं। देखो आपने लिखा हुआ फिर भी आप करेक्ट नहीं बोल रही। नहीं सर पूरा नहीं लिखा ना, थर्ड लाइन भूल गई। तो नहीं तो मत मत लिखिए ना, अगर लिखेगी तो फिर मेमोरी पे वो कंसंट्रेशन और वो सब, उसका फायदा क्या है एक्सरसाइज का। ओके ओके ठीक है। अगर आपने लिख लिया तो मैं, देखिए उनको मैंने कैसे याद कराया कि आपको तीन चीजें बोलनी है जी। आप अभी आपने पता आप क्यों भूली? क्योंकि लिखने पर ध्यान था, लिखने पर ध्यान था। नहीं आप इसलिए भूली क्योंकि आप, आपने उनको सुना ही नहीं, आपको इसी पे ध्यान था कि मुझे क्या बोलना। अगर आप उनको सुन लेती तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो जवाब है उनके सवाल में छिपा हुआ है। Am I right or wrong, बताइए मुझे। Very nice sir. Yes sir. Yes sir. आपका जवाब उनके सवाल में छिपा हुआ है, वो कह रही है जाओ जाओ यहां से जाओ कहीं और जाओ, आप बोल रही है क्यों जाऊं यहां से क्यों जाऊं कहीं और क्यों जाऊं। तीनों देखिए एकदम सवाल जवाब एकदम सटीक है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यस सर। लेकिन अगर आप उनको सुनेंगी नहीं तो आप जवाब देंगी नहीं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि दूसरे की बात को सुने बगैर अपनी बातें सामने रखने शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सर जी। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है इस बात का कि आपको सामने वाले की बात सुननी चाहिए। जब आप पूरी बात सुन लेंगे उसके बाद आपका करेक्ट रिएक्शन निकलेगा, वरना आपका रिएक्शन हाफ कुक्ड होगा। Is everybody yes, with sir. me on this? Is everybody with me on this? Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, yes. बिल्कुल सही, है ना? Yes, sir. तो आपने उनकी बात को सुना नहीं, इसलिए, और आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके सवाल में आपका जवाब है। अब मुझे एक बात बताइए, सपोज आपकी बेटी आपको बोले कि मम्मी मुझे भूख लगी है खाने में क्या है, तो पहले आप लिखेंगे ये क्या पूछ रही है मुझसे? नहीं। फिर आप उसको लिख के याद करेंगी कि आज खाने में तेरे लिए पिज्जा है, लिखेगी? नहीं ना। नहीं, क्योंकि उसके सवाल में आपका जवाब छिपा हुआ है जी। हमारी डेली कन्वर्सेशन जो है वो ऐसे चलती है ना, और भाई क्या हाल चाल, मैं ठीक हूँ यार तू सुना, मैं भी ठीक हूँ, तो सवाल में जवाब है छिपा हुआ है। यस फिर से बोलिए अनीता जी। यस सर, जाओ जाओ यहां से जाओ, कहीं और जाओ। क्यों जाऊं, यहां से कहां जाऊं। नहीं, यहां से क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं। हाँ
एक्चुअली सर मुझे थर्ड वाली लाइन याद ही नहीं आ रही है और मैं उसको सोचने में बिजी हो रही हूँ. और मैं आई वाज लाइक कि सिमिलर जो आपने बोला वो बोलूं, वो याद करने की वजह से ना मेरे को. चलिए अभी मैं अनीता जी और नसरीन जी, नसरीन जी आप हैं मेरे साथ? जी सर हूं मैं. आपने लिख ली लाइन है ना, बड़ा बदमाशी की आपने. नहीं, देख लिया मैंने, देख लिया मैंने. नहीं नहीं वो नहीं लिखा आपने जो बोला ना लिसनिंग के बारे में, वो लिखा मैंने कि सामने वाले को लिसन करना चाहिए तो उसमें ही कोई आंसर है आपका करके. अनीता जी आप बोलिए. यस सर. आप आपको याद है नसरीन जी? जी क्या बोलना है? जाओ जाओ यहाँ से जाओ कहीं और जाओ. नहीं नहीं वो उनका है, आपका जवाब क्या है? क्यों जाऊं यहाँ से, कहाँ जाऊं? देखिए आप बोलिए अनीता जी, क्या बोल रहे हैं आप? यस सर. जाओ जाओ यहाँ से जाओ कहीं और जाओ. क्यों जाऊं यहाँ से, यहाँ से क्यों जाऊं, कहाँ जाऊं? देखिए अभी आपने एक चीज नोट की, एक्टिंग कितनी आसान लगती है ना. देखिए सर इजी तो नहीं होती बिल्कुल. नहीं भूल जाता है ना लाइंस, भूल जाता है इंसान. मंच तो दो दो घंटे की बात कैसे करें? रिहर्सल का मतलब क्या होता है आप सबको बता रहा हूं, रिहर्सल का मतलब क्या होगा? दोबारा करना, बार बार उसको, दोबारा उसको सेम चीज को करना. रीहियर, रीहियर, रीहियर. यस दोबारा सुनना, दोबारा सुन. यस सर. सुन लिया तो फिर दोबारा सुन. यस दोबारा सुन लिया तो फिर एक बार और सुन, फिर सुन, फिर सुन. यस सर. तो जब तक आप सामने वाले की बात, ये रियल लाइफ में भी हम लोग अप्लाई होता है ना, हम जब सामने वाले की बात सुनेंगे नहीं, उसका जवाब पहले से ही हम अगर गढ़ लेंगे तो आपका जवाब गलत ही आएगा. उसने सवाल किया भी नहीं, हमने अपना जवाब रेडी रखा हुआ है. अभी अनीता जी फिर से बोलिए आप. यस सर. जाओ जाओ यहां से जाओ कहीं और जाओ. नसरीन जी कहाँ जाऊं एक मिनट, यहाँ से कहाँ, एक मिनट, क्यों जाऊं? हाँ क्यों जाऊं, यहाँ से क्यों जाऊं, यहाँ से, यहाँ से सुन लीजिए, यहाँ से क्यों जाऊं. हाँ सुन लीजिए, क्यों जाऊं यहाँ से, क्यों जाऊं कहीं और, क्यों जाऊं? बोलिए फिर से बोलिए. नसरीन जी बोलिए. आवाज नहीं आ रही आपकी सर. हाँ बोलिए बोलिए फिर से, अभी आ रही है, बोलिए बोलिए. हाँ यहाँ से क्यों जाऊं, यहाँ से कहाँ जाऊं. एक बार तो करेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं करेक्ट करने की, फिर इसको क्लास को आज वाइंड अप करेंगे, काफी टाइम हो गया. अनीता जी एक बार फिर से बोलिए. यस सर. जाओ जाओ यहाँ से जाओ कहीं और जाओ. नसरीन बोलिए. यहाँ से क्यों जाऊं, नहीं यहाँ से कहाँ जाऊं. नहीं स्वाति आपको याद है? क्यों जाऊं, याद है यहां से क्यों जाऊं. हेलो आवाज आ रही है? यस आ रही है मैम. आ रही आ रही है. क्यों जाऊं यहां से, क्यों जाऊं कहीं और जाओ, कहीं और क्यों जाऊं. हेलो हेलो. हाँ बोलिए अनीता फिर से बोलिए. जाओ जाओ यहां से जाओ कहीं और जाओ. क्या बोलेंगे स्वाति? क्यों जाऊं यहां से, क्यों जाऊं कहीं और क्यों जाऊं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. एक मिनट लेकिन अभी अभी ये बेसिक है, ये बेसिक भी नहीं है.
ये बेसिक भी नहीं है। अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो इसका अगला स्टेज है। फिर से बोलिए अनीता। जाओ जाओ, यहां से जाओ, कहीं और जाओ। बोलिए स्वाति। क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, कहीं और क्यों जाऊं। करेक्ट। अभी अनीता। यस सर। स्वाति आपकी मेड है जो पिछले 30 साल से काम कर रही है आपके साथ। यस सर। यस। अब बोलिए ये बात, और आप उनकी मेड अपनी मैडम को जवाब दे रही हैं जो 30 साल से काम। बोलिए। जी सर। ओके। जाओ जाओ, यहां से जाओ, कहीं और जाओ। क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, कहीं और किधर जाऊं। कहीं और क्यों जाऊं। कहीं और क्यों जाऊं। अच्छा, लेकिन अब सवाल यह है कि अनीता जी, आप इनको निकाल के बोल क्यों बोल रही हैं जाने के लिए? कुछ किया होगा ना इसने? जी सर। तो आप गुस्से में बोल रही हैं ना? यस सर। तो गुस्सा दिखाई। यस सर। जाओ जाओ, यहां से जाओ, कहीं और जाओ। क्यों जाऊं, यहां से क्यों जाऊं, कहीं और क्यों जाऊं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये एक बड़ा बेसिक तो ये तो एक्टिंग एक बहुत बड़ा समंदर है। आदमी को लगता है, यू नो, एक्चुअली आपने जब बोला ना फीलिंग के साथ बैठ बोलने के लिए, तब मुझे याद आया मैं अपने हाथ बहुत ऐसे पकड़ी हुई थी, मुझे याद आया अरे ये मेरी एनर्जी बांध दी है बिल्कुल, फिर मैंने हाथ खोले और फिर फ्लो में आए। करेक्ट करेक्ट, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी एनर्जी को पूरा फुल रखिए। चलिए अभी टाइम बात, सलमान जी आप आ गए ना? सलमान जी कहाँ हैं? हाँ सर ने ज्वाइन किया था अभी। सलमान साहब, सलमान जी को बुलाता हूँ मैं। सलमान जी। यस यस सर, राकेश सर। हाँ, तो मैंने कहा आज का सेशन काफी हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स और काफी इंटरेस्टिंग हो गया सर। ये लास्ट का बहुत बढ़िया था सर। लॉन्चिंग होने वाली थी, सर ने रोक दिया। एक सीन कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाएंगे। तो यस राकेश सर, कुछ बोल रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर कभी सोचिए, अगर आपको मैं 2 पेज का सीन करने के लिए दूं आपस में, तो कैसा मजा आएगा? कभी सोचा आपने क्या क्या उसके अंदर पॉसिबिलिटीज निकलेंगी, कैसे कैसे करेक्टर किरदार कैसे बनाता है, एक्टर क्या करेक्टर कैसे बनाता है? Yes, जैसे मैंने आपसे कहा उस दिन भी, मैंने कहा था क्या, हम हमेशा झूठी तो बोलते हैं, हम सब लोग झूठी बोलते हैं ना। एक माँ बच्चे को झूठी बोलती है, मारूंगी तेरे को, तुमने दोबारा ऐसा किया, तो थोड़ी वो मारने वाली है, झूठ बोल रही है। लेकिन इतना तक हो गया आई थिंक सर, आपकी वॉइस आ रही है। तो फ्रेंड्स, तो सर का सामने उसको मान करेंगे, यू नो। चलिए सर, बहुत बढ़िया सेशन था। यस, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, और हम लोग जल्दी ऑफलाइन सेशन प्लान करेंगे राकेश सर के साथ। जब ऑनलाइन में मजा इतना आ रहा है, तो ऑफलाइन में कितना मजा आएगा, तो ये कंफर्म है, फोरम पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, जल्दी हम लोग ऑफलाइन सेशन प्लान करेंगे सर के साथ में। सर बिजनेस छोड़ के सब लोग ड्रामा स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, आप ये गलत बोल रहे हैं, आपको इसमें रियल लाइफ में इतना फायदा होगा। आप देखिए जो मैंने आपको बताई है चीजें आज, वो रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा ना। जी यस सर। इट्स नॉट दैट कि वो आपको एक्टर बनना पड़ेगा, अरे आप थोड़ी एक्टर। और वो हमारी मेन डबल हो जाएगी ना फिर हमारी सर से सीज के, तो हम ऑलरेडी एक्टर हैं, हम एक्टिंग करते रहते हैं, लेकिन उसको सही सेंस में कैसे करें ये बात है असली जो मुद्दा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू जी, सही कहा, थैंक यू राकेश सर, थैंक यू। यस, कैसा लगा आपको आज का सेशन? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वैल्यू मिली काफी। जैना साहब बाद में आए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे कहीं कवर करेंगे। नहीं जरूर, मैं थोड़ा ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो नेटवर्क बीच में नहीं आ रहा था, फिर भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम चंद लम्हों के लिए आए, लेकिन सीखा बहुत कुछ राकेश वेदी साहब आपसे। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय।
बाय बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू. इट्स नाइस टू बी विद यू. थैंक यू. थैंक यू राकेश. बाय सर. बाय बाय. राकेश एनपीएस जी आप कंटिन्यू करिए. एनपीएस सर और वो सीन कंटिन्यू कर सकते हैं. मैम अलग 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 पिच में अलग अलग वो लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग थोड़ी देर. और आपका रीजन इसलिए भी है ना सऊदी में आप रील वगैरह बनाते हो उस तरह के. यस वो उसका इम्पैक्ट दिख भी रहा था हमारे को क्योंकि आपके अंदर है वो स्किल. जी सर वो रील बनाते बनाते मैं यही बता रही थी किसी को कि मैंने एक रील बनाने की कोशिश की. मुझे मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुई कि इसके जैसे इमोशंस और ये लाना है. एक बार में अच्छा बना, दूसरी बार में भी अच्छा बन गया था. फिर जब मैंने परफेक्शन लाने की कोशिश की ना वो बेकार ही हो गया. फिर मैंने कहा अब जो बन गया इसी को डालो. तो वो भी था कि मतलब हाँ थोड़ा सा वो होता है. बट अनीता मैम अच्छा बोलती है डायलॉग वगैरह मैंने देखा. मतलब वो मैंने उस दिन भी देखा था ओल्ड हीरोइन टाइप के जो डायलॉग निकलते हैं ना वैसे बोलती है अनीता मैम. थैंक यू सर. ओके कंटिन्यू. आपके वीडियो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साथी मैम. थैंक यू मैम. तो स्वाति जी और अनीता जी जी सर डायलॉग है दोबारा से बोलिए एक बार थोड़ा इमोशन डाल के उसमें और क्या कर सकते हैं. जी सर. तो सर कैसा वाला अभी तो काम वाली वाला चल रहा था. उसी को आगे आगे चलाइए उसी को अभी. हाँ उसी को दो तीन रीटेक. साथी मैम. हाँ सर. हाँ मैम. अभी जो सर ने सिखाया है ना जो मुझे डायलॉग बोलने को दिया था तो जैसे बोलती हूँ जाओ जाओ तो आपका जो फर्स्ट उसका आंसर है ना क्यों जाओ तो वो अभी हम कंटिन्यू करते हैं. तो एक के बाद एक बोलेंगे या फिर एक के बाद तो वो कंटिन्यू भी रहेगा और बारी बारी बोलने की चांस भी मिलेगा और वो एक सीक्वेंस में भी लगेगा कि जैसे हम कुछ रोल प्ले कर रहे हैं. हाँ ठीक है. ओके करते हैं एक बार. ओके और उसमें हाथ का मूवमेंट वगैरह भी हम करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस वगैरह आ जाएगा. ठीक है ठीक है. ओके स्टार्ट करते हैं. जाओ जाओ. क्यों जाऊं? यहाँ से जाओ. यहाँ से क्यों जाऊं? कहीं और जाओ. यहाँ से किधर जाऊं मैं? मैंने अपना ऐड कुछ कर दिया. बहुत अच्छा साथी में. वेरी नाइस. थैंक यू. बहुत बढ़िया. चलिए अरे यहाँ पे सामने होता तो और कितना अफेक्टिव होता जैसे अभी ऑफलाइन की बात कर रहे थे. नहीं मतलब वही ऐसा लग रहा था बिल्कुल एक रूम में ही पहुंच गए. सर बनाते हैं ना ब्रेकआउट रूम वैसा वाला. यस यस मैम. यस मैम जी. तो फ्रेंड्स अभी जो हमने आज जो चीजें सीखी तो हमें क्या करना है. पहले तो हमारी वॉइस के बारे में बात की थी सर ने. जो एनर्जी है हमें उसको एनहेंस करना है. एनर्जी बढ़ानी है. थोड़ा वॉल्यूम को भी थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करना है. तो कहाँ आपको मतलब जब आप वॉइस रेज करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी. कहीं स्लो बात करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जब कोई मतलब हम नॉर्मल कंडीशन में हम बात करते हैं. तो अभी मैंने जैसे किसी का फोन आया तो बोला सर आज की आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत डाउन लग रही है आज. तो हमारी बातचीत से भी पता लग जाता है कि अभी सामने वाला किस मूड में. तो उसके हिसाब से बात करनी है. और जो हाथों का मूवमेंट है ना वो नॉर्मली हम नहीं करते हैं तो हमें आदत डालनी है भाई कैसे हम एक्सप्रेशन लाने की कोशिश करते हैं. तो बहुत सारी चीजें हैं और जो बॉडी का मूवमेंट है उससे भी पता चल जाता है हमें कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं. तो जब आप किसी के साथ हैं तो आपको मतलब कई को कुछ नहीं पड़ती. आपकी आंखें आपके जो भाव है सामने वाला समझ जाता है क्या करना चाह रहा हूँ. तो ये रिलेशनशिप में होता है बहुत कुछ. तो बात ये कि मजेदारी वाली बात है कि भाई बिना कहे कुछ कहे हुए हम सामने वाले को दूसरे को समझाते हैं अपनी बात. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कोशिश यही करनी है भाई कैसे हम अपने आप को ज्यादा बेहतर बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाए अपने आप को. तो ये मेन सीख थी जो आज का सर ने बताया. और एक चीज होती है कि याददाश्त के बारे में सर ने बताया जो चीजें हमें याद है हम उसको इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर पाएंगे. लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करें. तो ये बात पे थोड़ी फिर वहाँ पे इमेजिनेशन क्रिएट होती है और क्या क्या रोल कर सकते हैं. जैसे सुभाष भाई को सुभाष डेढ़ा जी को एकदम बहुत इतने जबरदस्त तीन वर्ड मिले
और फिर भी सुभाष साहब ने इसको बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, तो और जसवंत जी ने भी प्रेजेंट किया बढ़िया तरीके से। डॉक्टर आशीष का भी जो हैंड मूवमेंट था पहले जो करवाया था, दूसरा बार करवाया था, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट लगा था। तो गौरव जी ने भी बहुत अच्छी बात करी। तो गौरव जी तो ऑलरेडी मतलब इस फील्ड में काम कर रहे थे, उनका जो जो प्रेजेंटेशन था नेक्स्ट लेवल का था। तो हम सब को सीखनी है ये चीजें कि हम कैसे अपने हाथों को मूवमेंट कर सकते हैं, कैसे बॉडी लैंग्वेज को भी सही तरीके से करते हैं, और कैसे वॉल्यूम को हम सही तरीके से प्रेजेंट करें अपने आप में। तो यही मेन चीज थी आपकी। और सुभाष भाई क्या कहना कुछ कहना चाहेंगे अभी? बस सर, सर ने जो है ना बहुत अच्छी तरीके से समझाया हर चीज को, कि भाई किस चीज को जो आप रेगुलर काम कर रहे हो ना उसमें आपका माइंड रहता है, लेकिन इस माइंड को जैसे सर ने हमको तीन शब्द अलग अलग दिए, मुझको जसवंत सर को, तो उसमें जब एक उन्होंने जो शब्द दिए तो जब उस पर बोलना था तो फिर हमारे जो माइंड को ना वो अलग घूमना पड़ा, कि जो हम रोज ही करते हैं उससे हटना पड़ा, तो माइंड को अलग घूमना पड़ा, तो जिससे एक ये था कि भाई हमें बोलना क्या है। तो वो सर ने यही सिखाया कि आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए आपको उस पर बोलना, ये आपके अंदर से एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इन अलग जो शब्द बजाने का सर का जो मुझे जो मेरी समझ में आया, तो सर ने हमको यही सिखाया कि आपको जिस दायरे में उस दायरे से बाहर निकलना है, तो आपको कुछ भी मिलेगा आप कुछ भी बोल पाओगे फिर। तो सर मुझे जो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस हुआ है सर ने हम लोगों को जो सिखाया वही, और अपने सर ने सिखाया कि जैसे ही हाथों को इमेज करके आप बताओगे तो आपकी एनर्जी हाई लेवल पर चली जाती है, और आपके जो बोलने की वो टेक्निक है वो कहीं स्लो और कहीं लो उस तरीके से भी आपकी बॉडी से ही सारे इम्प्रेशन पड़ते हैं वो सब। बहुत अच्छी सुभाष जी। तो बॉडी लैंग्वेज में एक और चीज है, जैसे हम किसी चीज को जैसे भी कहीं क्लास वगैरह लेते हैं ना, तो कई बार हम ऐसे करके बैठते हैं, खड़े को भी ऐसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज पोस्चर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर तो लेफ्ट ही होकर देखे। अनम्यूट कीजिए सर अपने आपको, एनपीएस सर। हाँ, कुछ शायद चैलेंज आ गया था अभी नेटवर्क का ना, कुछ मेरे साथ ही। तो राकेश बेदी जी को देख के शायद ये भी दिल्ली वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये होता क्लोज पोस्चर। तो ऐसे मतलब ये माना जाता है कि भाई चीजें हम नहीं ले रहे हैं, तो कभी भी जब बैठने नोट्स वगैरह क्लास वगैरह ले रहे हैं तो ओपन बॉडी के हिसाब से बैठने, ये सब चीजें हैं मतलब। तो ध्यान रखना है कौन सी कैसी बॉडी लैंग्वेज हम अपना रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो ये सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है मतलब। और जैसे सर ने बताया भी बात करने का भी ढंग कैसे कर रहे हैं, तो ये सब। और हम रोज हम जो लोग हैं ना रोज रोल प्ले कर रहे हैं घर में भी बाहर भी ऑफिस में भी, कई बार हम बहुत सफाई से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं ना तो चलते रहता है वो, लाइफ का पार्ट है वो, चलते ही। हाँ सर, वो तो हमें डिसाइड करना है कहाँ बोलना है, क्या कई बार गलती होती तो कुछ पाने की बिलीव करते हैं, हम टाइम से नहीं होता तब भी कुछ ना कुछ, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन बात ये क्या असली अल्टीमेटली भाई कितने अच्छे तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर पाए भाई, झूठ को भी सच तरीके से लगने सामने वाला, तो ये एक्टर का काम है। तो जैसे पिक्चर वगैरह देखते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी एक एक शॉट के लिए, इनको कितना मतलब काम करना पड़ता है। ये जैसे डायलॉग अनीता जी और स्वाति मैडम के बीच में होता, कितने बार उसको मतलब दोहराना पड़ा तब जाके वो परफेक्शन पे, तो ऐसे ही हर एक एक डायलॉग को बोलते हैं फिर वो नेचुरल से लगते हैं, फीलिंग्स हमारी ट्रांसफर होती है ना सामने वाले को, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक्चरों में जब भी तो हम रो पड़ते हैं कहीं हंस जाते हैं उनके मतलब देख के भाव को, बहुत अच्छा। एनपीएस सर, गौरव जी की स्टोरी भी काफी अच्छी रही, गौरव जी ने बहुत अच्छे से स्टोरी क्रिएट किया और बताया, जैसे उनको स्क्रिप्ट दिया हुआ है और वो बोल रहे हैं। बरसात में और उस कार के अंदर पहुंच ही गई थी, आई वाज सही बात है, जैसे पिक्चर देख रहे हैं वैसे ही गौरव जी बता रहे थे, बहुत अच्छी बताया गौरव जी ने। इमेजिनेशन में गाड़ी चला रहे हैं, फिर एक्सीडेंट हो गया और फिर वहां पे वो ये गिरी हुई है एम्बुलेंस का,
सब ऐसा मुझे एकदम स्टोरी दिख रही थी एक्चुअली, हाँ, यस यस उसके आगे क्या यस होगा, उसके आगे क्या होगा, वो एक्साइटमेंट लग रहा था कि आगे क्या होगा, आगे सस्पेंस क्या होगा, सस्पेंस था। और मैं उसमें मतलब वो जो होता है ना भूतनी हाँ। चुड़ैल, वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर। और हॉरर पिक्चरों में मोस्ट ऑफ ऐसे ही बताते हैं ना, तो इमेजिन हमारा हाँ वही यस सबसे ज्यादा जाता है, हाँ क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही सुभाष सोचता जी है को तो ना बहुत कुछ बड़ा और चैलेंज सोचने मिला था की, वैसे ही, कुछ मिस हैपनिंग ही होगी वैसे ही सोचता है ना हमारा माइंड, जी जी आदत सर पड़ी हुई है। यस सर सुभाष जी को भी चैलेंज जो मिला था बहुत ही न्यूक्लियर साइंस कहा, हाँ, फिर सुभाष जी ने सोलर भी बहुत सोलर अच्छे से दूसरा कनेक्ट कहा, किया है। तीनों में मिसमैचिंग था एक्चुअली, हाँ, उसपे सोचना और इतना मतलब पहले था इतना सोचना, सर ने बहुत फ्लो में बोला, सर ने बहुत फ्लो में बोला, बहुत अच्छा बोला। हाँ यस, और वो तीनों वर्ड्स में कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, वो हाँ सही हाँ बात है, एक्चुअली मैं हर वही कह लाइन रही में थी बोल रहे कितना थे। लंबा कोई सस्टेन नहीं किया बोलने के उसमें ना, सब सबसे कुछ पहले अलग सर ने था। जैसे न्यूक्लियर का बोला ना, तो मुझे लगा सुभाष जी न्यूक्लियर पे क्या बोल पाएंगे, पर सुभाष जी ने तो चौके छक्के सही लगाना शुरू कहा, कर दिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जसवंत तो नसरीन सर मैडम ने भी कैसा आज काफी का अच्छा एक्सपीरियंस, बताया, कैसा आज का एक्सपीरियंस? सर आज तो है ना सर ने एक चीज तो सिखाई कि कुछ भी प्रोडक्ट हो, कुछ भी रखो आपके सामने, टॉपिक हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसको सिर्फ इमेजिन करके एक ना उसके ऊपर बोलना है आपको, इमेजिन करो उस पे, इमेजिनेशन की वजह से आपको एक ने बोलना आ जाएगा। तो उन्होंने वो बोला कि नहीं आप बिजनेस में यूज करो, अपने लाइफ में यूज करो, कुछ भी यूज करो, पर आपको बोलने आना चाहिए उसमें करके। दूसरी चीज उसी सर की कि नहीं आप डरते हो, हर चीज बोलने के लिए डरते हो, मतलब कोई भी चीज बोलने के लिए डरते हो, जैसे मैं भी डर गई डायलॉग बोलते समय, मेरा भी हो गया कि मैं टीचर बोल नहीं पाई, दो तीन बार भी रिपीट होने के बाद भी नहीं बोल पाई, तो ये कहीं ना कहीं तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। और वो पहले सुनना, मतलब अनिता मैडम का सुन के अगर प्रिपेयर करते कि जाओ जाओ क्यों जाऊं, यहाँ से कहाँ जाऊं, या ये कहीं और क्यों जाऊं, ऐसा बोलना था, तो उतना भी बोल नहीं पाए हम लोग, तो क्योंकि हम लोग है ना अपने आंसर पे ध्यान दे रहे थे बस, इसलिए वो कहीं ना कहीं तो बोल नहीं पाए। अगर जी वो जैसे स्वाति मैडम ने और अभी अनिता मैडम ने जब उसका प्रैक्टिस किया ना कि जाओ जाओ बोलते ही मैडम ने कुछ बोला, स्वाति मैडम ने बोला ये सही कॉन्वर्सेशन लगा मुझे, कि उसका फटाफट आंसर आ गया फिर उसमें, तो ये बराबर थोड़ा सा उन्होंने जो सिखाया कि हमने प्रोडक्ट के लिए भी, बिजनेस के लिए भी, या डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, कहाँ कितना यूज होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कहाँ पे पॉजेस होने चाहिए, काफी सारा जसवंत सर का भी था कि उन्होंने काफी अच्छे से सब चीजें बोली उनके लाइफ पाथ के बारे में, कि बचपन से लेके जो भी है उनके बिजनेस के अभी तक के, तो जसवंत सर का भी अच्छा लगा मुझे, सुभाष सर का भी तो बहुत ही एक डिफिकल्ट चैलेंज उन्होंने भी लिया और वो भी अच्छा बोला, फिर गौरव जी तो उसमें मतलब पूरा मुझे तो टीवी का सीरियल दिख रहा था उसमें, मैं तो पूरा खो गई थी उसमें एक्चुअली, तो मुझे तो सही में अच्छा लगा और काफी सारे सीखने भी मिला है। करते हैं इम्प्लीमेंट धीरे धीरे तो करते हैं, और रही बात अभी हाथ हाथ पर तो इतने हिलते हैं कि कभी कभी मम्मी फटका मार देती कि नहीं छोड़ो, थोड़ा तो रुको, इतना ज्यादा हिलते रहते हैं, कोई भी एक आएगा घर घर में, मतलब मैं ही ज्यादा चंट हूं तो भाई भी आएगा ना तो फटका मार देते कि थोड़ा तो अपना ये रखो, पेशेंस बिल्कुल रखो करके, इतना हिलते रहता है हाथ पैर एक्चुअली। तो डेली उसमें ना हम यूज नहीं करते ना हैंड्स का, तो पहले मैं यूज करता था, बाद में बीच में वो गायब हो गया, अभी धीरे धीरे फिर वो रूटीन पे लेके आ रहे चीजों को, कैसे कर सकते हैं हम, तो ये बहुत अच्छा है। तो
जसवंत सर कैसा लगा सर आज मैसेज? यस सर, सबसे पहले तो मेरे को यही लगा कि आज का जो मैं कितने दिन से यही सोच रहा हूँ कि जब भी सेशन खत्म होता है तो कुछ हमारे जो साथी हैं वो सभी कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, मगर तब सभी को यही होता है कि अरे टाइम हो रहा है, ये कहानी उधर को क्यों जा रही है। तो आज बहुत समय मिला कि सबको जो भी सेशन में थे खुलकर बोलने का, जो मन का उनका डर होता है ना बोलने, ये एक बहुत बड़ा अच्छा कह सकते हैं हमारा सेशन है, जहां हम जैसे कल बात कर रहे थे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसीलिए मुश्किल लगती है कि हमने हम जैसे सर ने अभी राकेश बेदी जी ने बताया कि आपको गिने चुने जो शब्द हैं वो आते होते हैं, उसी में आप घूमते रहते हैं, मगर ऐसा आपको चांस मिले तो थोड़ा खुलकर फिर आप जहां भी जाओ कहीं भी किसी बात पर भी। तो मैंने तो जहां घर से लेकर इतने देशों में गया हूं और कहीं भी कोई ऐसा होता ही नहीं था, डर नहीं, वो किसी की बात जैसे कहते थे ना पहले सुननी है, उनकी बात सुनते ही जो लैंग्वेज तो मेरे को हर बार आती नहीं थी, मगर जो बोलते थे उसी जो वर्ड्स होते थे उन्हीं को पकड़ कर फिर उसका जवाब दे देते थे कि ऐसे ऐसे, तो उनको भी हो जाता था कि हाँ हमको, तो अपने को भी कॉन्फिडेंस होता था कि इतना नहीं कि मेरे को आता नहीं, इनको ये नहीं पता लगे कि मेरे को बिल्कुल नहीं आता। तो आज का जो सेशन ऐसा था और उस सही कहा सबने, बहुत अच्छा अपनी तरफ से बताया, मगर गौरव जी का तो जो बोलना था वो इतना अच्छा था कि सभी उसमें जो फिल्म की तरह सस्पेंस में पड़ गए कि अभी क्या होगा अभी क्या, और उन्होंने बांध लिया सभी को। तो सुभाष सर का मेरे को जैसे अभी अनीता जी ने भी बताया कि जब भी वो न्यूक्लियर साइंस का है ना, तो है तो जिन्होंने बात सुने हैं उनके लिए, मैंने कहा कि सर अब क्या बोलेंगे न्यूक्लियर साइंस में, चलो सोलर और जूते ये तो घर में रोज चलते हैं, रोज बातें होती हैं इस पर न्यूक्लियर साइंस तो एक हमारी रोज की कन्वर्जेशन में भी नया वर्ड है। तो मगर स्वाति ने बहुत अच्छा कवर कर लिया उसको, उसके लिए मैं उनको एक बार बधाई दूंगा। तो और सभी ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ऐसा हम खुलेंगे तो देखना कि जो वो कम्युनिकेशन जहाँ सभी को सेशन लाने की बात है ना, मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते में अगर और चला तो देखो सेशन के सेशन सर से भागे भी रहेंगे सभी कि सर मेरा सेशन आने दो, मैं इस दिन करूंगा उस दिन करूंगा। वो अभी घुटे हुए हैं हम अपने वार्ड, जितना है ना हमारे पास एमुनेशन उसी को ही हम यूज कर रहे हैं, तो उतने में वही सर्कल में पड़े हुए हैं, जब खुल जाएंगे तो फिर देखना। तो थैंक यू सर आज का, सलमान सर का भी बहुत बहुत थैंक यू कि सबको खुलकर बोलने का उन्होंने टाइम दिया और ढूंढ लिया कि इनको आप कैसे मोटिवेट करें, कैसे इनको इंस्पायर करें कि तक ये बोल सकें। तो सबने बहुत अच्छा किया, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सुभाष जी की जगह अगर मुझे न्यूक्लियर के बारे में बोलने को बोलते ना तो मैं तो सुभाष जी चिंता नहीं बोल पाती, तो वहीं पे मैं अटक जाती, पर सुभाष जी ने वाकई में बहुत अच्छे से कवर किया। जिन्होंने तो ऐसा बात पढ़ा होगा ना, जस्ट सुना होगा थोड़ा जी, तो बस मेरे मन में तो जब इन्होंने न्यूक्लियर साइंस का बोला तो थोड़ा पढ़ी है ऐसी केमिस्ट्री फिजिक्स और जे भी, तो मैं उसको यही सब सोचने लगा कि अभी ये कैसे बोलेंगे क्या, मगर अपने मन में बहुत जो था ना न्यूक्लियर साइंस का बहुत ज्यादा घूमने लगा कि जैसे बोलना चाहिए ऐसे करना चाहिए, मगर इन्होंने बहुत अच्छा कैच किया और डायलॉग बहुत अच्छे थे, बहुत टाइम को जैसे बोलते ना सर बोला राकेश बेदी जी ने कि आपने झूठ भी बोलना है तो ऐसे बोलना है कि पकड़ा नहीं जाए, तब चल गया सर। सर वही तो था कि न्यूक्लियर साइंस की मुझे पता नहीं है क्यों क्लियर साइंस, लेकिन वो आ रहा था उसमें शब्द,
तो मैंने तो बस वही सोलर सिस्टम जूते रेत में तो बस सर वो 300 दाने थे उसमें, बस यही तो बोल बताया था सर ने कि वो 300 दाने थी उस आने सेंटेंस में। चाहिए जी, बहुत सर। बढ़िया। सर इससे क्या पता चलता है कि सर वैसे बोलते रहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता है, वो सर को एक बार मौका दे दो। बिल्कुल सही प्रतिमा। सर ने जब प्लेटफॉर्म पे पहली बार बोला सर बोलते हैं मुझे बोलना नहीं आता है, एक दो सेल ऐसे ही कर दिया। बताओ जिनको बोलना नहीं आता है वो ऐसे काम करेंगे तो बोलने वाले कहाँ जाएंगे। देखो सबको बोलना आता है, लेकिन वही है कि भाई सही तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को, वो बेसिकली हाँ है। ये जो कलाकारी है वो हमें सीखनी है, बस यही। वैसे तो हाँ डे टू लाइफ में एक रोज रोजमर्रा की जिंदगी में हम बोलते हैं ना, किसी ना किसी से बात तो कर ही रहे, कन्वर्सेशन तो चल ही रहे। बोलते जी तो हैं, लेकिन जो स्टेज पे बोलना और ऐसे प्लेटफॉर्म पे आगे बोलना एक अलग हो जाता है ना। जब जी मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़ा था तब तो नहीं बोल पाता था ऐसे। जैसे आप भाई, आप तो एनपीएस सर शुरू से ही हो, स्वाति मैम भी शुरू से ही है सिस्टम पे, तो नहीं बोल पाते थे ना मैम हम। पर जब रोज के यहाँ सुनते हैं बोलते हैं तो उससे बोलने का एक एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन। बिल्कुल। आजकल पहले क्या हम सुनते हैं, जब सुनते हैं फिर सोचते हैं दिमाग से, फिर बोलना शुरू करते हैं। तो ये जब प्रोसेस, अब देखो यहाँ पे क्या है मजेदार वाली बात, हम सुबह शाम चल रही ना हमारी प्रैक्टिस। सुबह को भी आपकी जो आपने मतलब बताया भाई फॉर्म में क्या क्या आपको क्या सीखा आपने, तो क्या है मतलब जी भले ही कई बार हम क्या चीजें जो ही हमें सिखाई जाती है उनको ही रिपीट करते हैं, लेकिन कर तो रहे ना हम, तो ये हाँ, डेली करके कर रहे हैं ना सीखने सर, की आदत बोलने का डाल। रिपीट तो डेली हो रहा यस, तो है सीख ना। करके सीखने की आदत डाल रहे हैं अपने आप। तो ये एक तरीका है सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। और जब करके जब चीज़ों को हम सीखते हैं तो भूलते नहीं हम, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी ये तो मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो भूल जाता हूँ, सुनता हूँ तो भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं सीख जाता हूँ। तो डॉक्टर जी आशीष आप हैं यहाँ पे? हाँ है डॉक्टर साहब का। यस सर, अनिता यस यस। सो मैडम, वंडरफुल सेशन हुआ। हाँ यस, तो वंडरफुल सेशन हुआ आज का। तो अभी से हम चालू करते हैं, लाइक जब भी हम शेयरिंग करेंगे तो हाथ का इस्तेमाल करेंगे। तो व्हाट बिल्कुल ही सेड इज, अगर आप हाथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपका 50% आर्मामेंटेरियम आप वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो है अभी से हमें ये डे टू डे लाइफ में चालू करना है, बिकॉज लाइक जो भी हमें लाइफ में अचीव करना है तो वे अपने कम्युनिकेशन से ही होगा। तो बिल्कुल शुरुआत में उन्होंने जो बोला कि इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, तो बोले कि डोंट फेयर एनी बडी, राइट। और एक चीज उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट बताई, लाइक जो ऑडियंस फूटती है, राइट। तो एक बार अगर ऑडियंस फूटती है तो फिर उसके बाद अगर आप उधर खड़े भी रहते हो तो भी आपका एक इम्प्रेशन या जमाव रहता है। तो ये इसको आइस ब्रेकर जैसे बोलते हैं ना कॉन्वर्जेशन में, यानी दो लोग बोल रहे हैं या कोई एक्टर है जिसे परफॉर्म कर रहा है तो उसके सामने भी लाइक अगर वो कुछ कॉमेडी कर रहा है या कुछ इमोशंस ला रहा है तो वो ऑडियंस फूटना वो जो है ना। तो अगर हम कोई वेबिनार ले रहे हैं या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो अपना जो इम्पैक्ट है ना, इनिशियल इम्पैक्ट इतना होना चाहिए कि वो जो भी है फूटना या वो जो कन्वे होना है मैसेज वो डीपली इम्पैक्ट होना चाहिए। और एक बार वो फूट गया ना तो अपना एक इम्प्रेशन बना रहेगा। तो अगर आप उधर नेक्स्ट टाइम अगर आप फोड़ो भी, लाइक इवन इफ यू डोंट ब्रेक और यू डू आउट परफॉर्म, तो भी आपका एक इम्प्रेशन बना रहेगा। सो दिस वॉज इमीडिएट वन वन थिंग जो शुरुआत में। एंड इफ यू हाइड योर वीकनेस यू मेक इट ऑब्वियस, वो जो बोले, देन ऑलवेज पॉन्डर, ऑलवेज थिंक हाउ डू आई कन्वर्ट माई वीकनेस इंटू स्ट्रेंथ, यानी अपने जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कैसे करे उसका ये कैसे सोचना है। एंड अदर थिंग वो बोले कि हैंड्स का भी बोले, और व्हाट ही सेड कि आप इनेक्ट करो, यानी आपके वर्ड जो भी बोल रहे हो तो सिर्फ बोलो मत, जैसे लाइक आई हेल्प पीपल स्माइल, तो वैसे लाइक आई हेल्प पीपल स्माइल तो आप स्माइल करके बताओ। सो यू इनेक्ट द वर्ड यू आर सेइंग, यानी आप जो भी बोल रहे हो उसकी एक्टिंग करो या उसको जेस्टर्स में से बताओ। तो उससे जो आदमी जो है आगे वाला जो भी आपका मैसेज है उसका ठीक से वो ले सकता है। सो मे बी, तो हमें बेसिकली जब भी हम प्रेजेंटेशन ले रहे हैं या वेबिनार्स कर रहे हैं या जो भी प्लान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत एक्टिंग के एलिमेंट्स लाना चाहिए। तो उससे अपना जो ये है कोर्स का सेल्स भी बढ़ेगा और जो ट्रेनिंग भी बढ़ेगा, राइट। तो ये मुझे थोड़ा रेवलेशन हुआ। और बाकी जो हमें जो एनर्जी इमेजिनेशन वो सब बताया,
एंड बी कॉन्शियस कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स यू से लाइक जो इनैक्ट करने हैं, यानी वर्ड्स को हमें इनैक्ट करना है, यानी जब भी हम बता दें उसने उसको मारा तो हम सिर्फ उसने उसको मारा नहीं, लाइक ऐसे हैंड जो भी है उसका एक्टिंग करना है. एंड देन ही सेड अबाउट दिस फर्स्ट पर्सन स्पीच सेकेंड पर्सन स्पीच, तो ये भी ठीक था. तो ओवर लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग इट वॉज अबाउट एनर्जी इमेजिनेशन मेमोरी राइट. तो ये दो चीजें भी अगर हमने दिए ना लाइक इनैक्ट द वर्ड्स व्हाट एवर यू आर सेइंग एंड यूज ऑफ हैंड्स इन डेली लाइफ किसी को चिल्लाना है बात करना है घर पे या जो भी है हाथ का यूज करो. तो दिस वॉज द बिगेस्ट टेक अवे हाथ का यूज करो. यस सुपर. बॉडी का गेस्चर भी ना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे हाँ के लिए हम ऐसे नोट करते हैं सर को, लेकिन कई बार हाँ बोल रहे हैं लेकिन सर ऐसे हिलाते हैं तो वो भी या कुछ हिलाते ही नहीं. यस मतलब हाँ बोलना हमें तो, लेकिन हम करेंगे ऐसे घुमाएंगे ऐसे, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्शियसली हमें करना है भाई. जो चीज मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी वो लगना चाहिए जो हम बोलना, अगर हम हाँ बोले तो ऐसे हिलना चाहिए हमारा ना कि कई बार हाँ बोलते हैं लेकिन अभी मुंडिया से हिलाते हैं. लाइक हाउ गौरव की स्टोरी इतनी क्यों एंगेजिंग लगी क्योंकि वो हाथ भी हिला रहा था और वो ऐसे जो उसके हैंड जेस्टर्स थे उसका वॉइस मॉड्यूलेशन अप डाउन हो रहा था लाइक कम से हाँ. और उसमें जो ये था क्या जो सरप्राइज था आश्चर्य था डर था उसके आवाज में वो दिख रहा था, तो उसके वजह से हमें वो ज्यादा एंगेजिंग लगा. बिल्कुल बहुत बढ़िया डॉक्टर. राइट तो गौरव जी से ही बात कर लेते हैं. गौरव जी आप हैं? गौरव आर यू देयर? नहीं वो शायद उसमें होगा उसका दूसरा कोई वेबिनार चालू है. नहीं यहाँ पे कनेक्टेड तो है वो. ठीक है हाँ अभी तो तो था पर और किसी को कुछ कहना है भी क्या? गौरव जी जैसे है सबका तो नंबर सही नहीं पर है. ओके मैडम. भी यस मैम. है भी नहीं है. ओके भी नहीं है वो. नसरीन जी कुछ कह रहे थे ना अनीता मैम से, आप बोलिए. हम लोग एक ऐसा करके सब में एक एक डॉलर बोलना है और उसको प्ले की तरह एक्ट करेंगे, फिर सब जितने भी मेंबर हैं वो है ना जी थोड़े थोड़े डायलॉग बोल के प्ले की तरह ये करेंगे, तो फिर क्या है सबका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा बात करते समय या रील्स के समय. जैसे स्वाति मैडम बोल रही थी रील्स के समय, तो उसके लिए भी तो जरूरी है ना क्योंकि हम स्क्रीन फेस करने वाले हैं, तो वहां पे जब भी स्क्रीन फेस करते हैं तो थोड़ा डर लगता है स्क्रीन फेस करते समय. जी अभी मैम हम एक चीज, इस चीज के लिए एक चीज बोलूंगी कि अगर ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है ना तो हम शीशे के सामने खड़े होकर भी आप कर सकते हाँ हो, कर अपने सकते आप को फेस करना भी बहुत टफ होता है. हाँ सही बात बताई. अपने आप को भी फेस नहीं कर सकते क्योंकि हम में एक्सेप्टेंस इतनी कम होती है ना. हम हमेशा अगर हम एक सेल के लिए भी जाते हैं और अगर वो नहीं क्रैक होती है ना, फिर उसके बाद हम अपने आप से सेल्फ टॉक करने लगते हैं, हमने ये नहीं बोला, तुमने ये खराब कर दिया, मतलब हमारे डायलॉग्स ही वैसे होते हैं. तो हम शीशे से के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. मतलब मैं एक्चुअली फोन भी पकड़ी हुई थी अपना, तो वो बोल ही नहीं पाते हैं हाथ हिला के, बाकी मैंने सर को सुना भी नहीं था पहले कि हमको किस तरीके से बताना है. और बाकी हम अगर इस प्रैक्टिस को अगर मतलब अभी तो कैसे एक दो लोग, हम इतने ही लोग हैं और रोज नहीं कर सकते हैं, अगर हम शीशे के सामने बोलेंगे तो भी हमारा बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है. और वहां से मतलब सब एक टाइम था मैं बिल्कुल ही अपने आप को शीशे में फेस करके बिल्कुल नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो एक वो होता है ना जजमेंट, वो एक्सेप्टेंस नहीं होती है. हम कभी भी कुछ भी ऐसा करते हैं या हमको कुछ नंबर मिल रहा है या हमारा कहीं वो होता है ना अप्रेजल, और फिर अगर वो नहीं अच्छा होता है तो हमें हम बोलने लगते हैं ना अपने आप को कि अरे यार ऐसा नहीं किया तुमने और ऐसा नहीं किया और ये वो, तो वो अपनी एक्सेप्टेंस अपने लिए भी कितनी कम होती है. तो उससे भी प्रैक्टिस करोगे आप तो हेल्प मिलेगी. मतलब अब मैं शीशे में खड़े होकर हाँ अब मैं बोल लेती हूँ, पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं देख पाती थी. साथी में हमने बहुत अच्छी बात बताई जो मिरर प्रैक्टिस की बताई है ना, तो मैं यहाँ फोरम पे आने से पहले मैं वो प्रैक्टिस करती थी. तो जैसे मैं कुछ स्क्रिप्ट लेके बैठी हूँ जैसे मेरे हेल्थ से रिलेटेड है, तो मान लो कि अगर मेरी जो लाइन है वो लाइन मिस हो गई तो
तो मैं उसको याद करते ऐसे बोलती हूँ ना, तो मेरी आंखें ऐसे ऊपर चली जाती थी, जैसे गुस्से में हम आंख दिखाते ना वैसे मेरी आंख होती थी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब भूल जाती हूँ तो मैं इसको याद करती हूँ तो मेरी आंखें ऊपर जा रही है, तो वो मुझे नहीं दिखानी है। तो फिर मैंने उसके लिए प्रैक्टिस किया, तो ओके काफी बदलाव आता है उसमें। आप अभी और भी जब करते हो हम मैम बोलते हैं प्रैक्टिस? तो हमारे लिप्स कैसे होते हैं, हमारी आईज कैसी है, तो वो सब हम मिरर में देख सकते हैं रिफ्लेक्ट के भाई सही बोल रहे हैं, या हम तो बोल के छूट जाएंगे पर सामने वाले हमको फेस कर रहे हैं तो उनको भी अच्छा लगना, बोलते तो अच्छा है पर हमारे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है तो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब बातें बहुत मायने रखती है इस सब में। अभी प्रैक्टिस करनी है तो एक एक बार मतलब एक दो लाइन की कर सकते हैं हम लोग, बट मैं ऐसे आपको बता रही थी कि रेगुलर आपको करना है, तो क्योंकि हर टाइम तो सब लोग नहीं वैसे अवेल हो सकते हैं तो यस कर सकते हो। अभी अगर ठीक आपको करना है तो एक दो लाइन बोल के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक जी तो बोलना है तो कुछ बताइए, कौन बताएगा? एनी आइडिया, किसी के पास कोई भी आइडिया हो? एक एक वर्ड्स लेते हैं ना, जैसे हम बिना पर्पस के कुछ नहीं कर सकते। जी सुनिए सुनिए बोलिए। मैम, एक आइडिया मेरे पास है कि वो जो जैसे सर ने कहानी सुनाई थी ना, जी तो उन्होंने बोला इस कहानी को पूरा करो, तो एक कहानी आप थोड़ी छोटी सी सुनाओ, फिर सब जी लोग उसको एक एक दो दो लाइन करके कनेक्ट करते जाएंगे। अच्छा ओके आइडिया है। यस बहुत बढ़िया। हाँ तो हम लोग एक कहानी आप स्टार्ट करो, 3-4 लाइन आप सुनाओ, फिर नसरीन जी करेंगी, और फिर जो हाथ भी उठा सकते हो और अदरवाइज नाम भी ले सकती हूँ मैं। कहानी कहीं से भी स्टार्ट करे, आपको उसको आगे लेके जाना है अपने हिसाब से। हाँ हाँ मतलब लाइन शुड नॉट बी रिपीटेड इन एनी मीन्स कि कोई कहानी घुमा के हाँ, नहीं उससे सुना दी रिलेटेड होनी चाहिए, उससे रिलेट आगे। होना चाहिए वो। हाँ तो वो 3 वर्ड्स मतलब वर्ड्स रिपीट नहीं होना वर्ड्स चाहिए वगैरह ऐसा? कुछ नहीं नहीं, नहीं नहीं वो जो मैं लाइन कनेक्ट कहानी करनी है। कहानी स्टार्ट जो करेंगे तो ओके वो कहानी को जहां से एंड बड़ा होता है करो, वहीं से आपको आगे लेके जाना आगे है, पूरा बढ़ाना है। हाँ कहानी बड़ी कहानी करनी है लेके जाना है। आपको, बड़ी करनी है। हाँ यस जैसे एक ही कहानी हम सब पढ़ रहे हैं और उसमें पार्ट में हम बांट रहे हैं, पार्ट में बोल रहे हैं, हाँ वैसा रिएक्ट होना चाहिए। हाँ ठीक है। ओके अंत मैम स्टार्ट करिए आप। ओके बहुत साल पहले की ये कहानी है। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक ग्वालन रहती थी, उसका नाम राधा था। राधा हर रोज एक गांव से दूसरे गांव दूध बेचने जाया करती थी, और बीच में एक तालाब आता था। वो तालाब के ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। वो पुल को पार करते राधा हर रोज दूसरे गांव में दूध बेचने जाया करती थी। एक दिन वो दूध लेके गांव से निकली और गांव से होते हुए, जंगल से होते हुए वो पुल के ऊपर चल के जा रही थी। साथ में हम कंटिन्यू कीजिए। मैं बोलूं? अच्छा, जी और जब वो जा रही थी तो उसने रियलाइज किया कि अब आगे पीछे तो कोई नहीं है और उसे उस पुल से जाना है। वो पुल बहुत बड़ा था और फिर वो जल्दी जल्दी उस पुल को पार करने लगी, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज उसे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि क्योंकि वो घर से पहले भी थोड़ा सा परेशानी में निकली थी और अभी वो उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। तो फिर उसने चलना स्टार्ट किया और वो बस धीरे 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 इसी उम्मीद में कि इस लास्ट पॉइंट को पार कर ले और वहां तक पहुंच जाए, क्योंकि वहां पर वो जो एक बेंच लगी हुई है ना, वहां पे वो बैठ के थोड़ा सा सुस्ता लेगी और फिर आगे की तरफ बढ़ेगी। फिर नसरीन मैम आगे बढ़ाइए। तो पुल पार करने के बाद में वो गांव पहुंचेगी। वो सोच रही थी कि गांव पहुंचूंगी और ये दूध पूरा बेचकर मैं इतने पैसे लेकर घर जाऊंगी, क्योंकि घर में बच्चे अकेले हैं या
बच्चों के लिए खाना बनाना है, तो उसको लौटना भी था, लौटने की भी जल्दी थी, तो यहाँ अभी सुस्ताऊंगी तो एक नहीं मैं मुझे और देर लगेगी करके, फिर वहां से उसने अपना जर्नी अपना जो रास्ता स्टार्ट किया और वो गांव पहुंची, लोगों को पूरी तरह से जो दूध है वो बेचा, वहां से पैसे लिए और वहां से फिर कुछ बच्चों के लिए खरीदा, कुछ घर में के घर में सब्जी वब्जी खरीदी और फिर उसने खरीद के आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पर उसको फिर से ये डर लगा कि पुल और फिर भी वापस मुझे पार करना है, तो भी इतना अंधेरे में मैं अभी जो शाम हो रही है तो मैं कैसे पुल पार करूंगी आगे। एनपीएस सर, जसवंत सर, हाँ जो भी है। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो, आप सुनाई नहीं दे रहे हो। तो जैसे ही वो अपना यस दूध बेच के पैसे लेके और सामान लेके घर की तरफ बढ़ी तो अंधेरा हो गया और रास्ते में बारिश आनी शुरू हो गई और बारिश इतनी भयंकर थी कि वो सारे कपड़े उसके भीग गए। पैसे तो उसने अपने जो दूध का डब्बा था उसमें छिपा लिया लेकिन फिर भी अपने आप को नहीं बचा पा रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसको सर्दी भी लग रही थी और लेकिन उसको जल्दी थी तो अपने घर पहुंचने की, कैसे अपने जल्दी घर पे पहुंचे और कैसे अपने फैमिली से मिले, तो यही उसके मन में चल रहा था और उसकी चाल भी फिर तेज हो गई थी, उसने चल तेज कदम से चलना शुरू किया और काफी मशक्कत के बाद वो अपने घर पर पहुंची तो उसके घर वाले भी उसको बारिश में घर वापस आ गए, उसे देख के बहुत खुश हुए। तो आगे जसवंत सर बताए। जसवंत जी आप कंटिन्यू कीजिए। तो घर पहुंचकर उसने अपने बच्चों से को जो भी उसने बाहर से खरीद कर लाए थे, बच्चे उसको इसीलिए वेट कर रहे थे, सभी अडिक रहे थे कि अम्मा जो आएगी तो क्या लेकर आएगी हमारे लिए, हर एक को जो जो उसने बताया था जाने से पहले कि मैंने ये लेना है वो लेना है वो सब लेकर आई है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात थी जो छोटा बेटा था उसका, उसको तो भूख लगी थी, उसको यही था कि मेरी माँ जो है वो आराम से घर पहुंच जाए, उसको चीजों की नहीं था कि मेरे लिए गुड़िया लेकर आएगी या मेरे लिए मिठाई लेकर आएगी कुछ कपड़ा लेकर आएगी, उसको यही था कि मेरी जो माँ है वो ठीक ठाक पहुंच जाए क्योंकि उसको उसकी जरूरत थी। इसलिए आते वक्त जब भी वो पहुंची तो सबसे पहले वो खिलखिला कर हंसा, ओ अम्मा आ गई अम्मा आ गई, और ऐसे भागा के उन घर में चहल पहल द्वारा हो गई, अकेले जो रह रहे थे बच्चे उनको ऐसे नहीं लग रहा था कि अभी हम अकेले हैं, तो अम्मा आने के बाद वो सभी इतने खुश हुए कि इससे आगे मैं कहूंगा गौरव जी से वो बात करेंगे। थैंक यू चेयर, आप इसको ज्यादा इंटरेस्टेड बनाएंगे। आशीष सर आपको बुलान आपको आगे कंटिन्यू करना है। यस यस आपकी चांस है। अच्छा मुझे ओके आशीष जी तो हुआ रहे तो अभी हुआ यूं कि दिन भर वो सुबह सुबह जाके आई वो सब दूध बेच के वापस घर पे आ गई, बच्चों को भी दे दिया रहे, तो एंड में उसको ऐसे लगने लगा कि अभी दिन भर में यही आज भी यही किया, पिछले 10 साल से यही करते आ रहा हूँ पर इसमें मैंने नया क्या किया, तो वो दिन उसके लिए इतना इतना डिफरेंट होने वाला था वो उसे ही पता नहीं था। तो वो जो थॉट उसको आया उस दिन वो जो बारिश से गुजरी वो तो तकलीफ है उसे आई, वैसे तो उसे रोज होता था पर उस दिन ऐसे क्या हुआ जिसके वजह से उसे वो मन में वो विचार आया कि वो रोज यही करते आ रही पिछले 10 साल से, तो अलग क्या हुआ है मेरे मेरे जीवन में अलग हुआ क्या है। तो जैसे बच्चे सो जाते हैं तो वो एक क्या कर लेती है, बुक ले लेती है और बुक में वो सब लिख के लिख डालती है, वो सब जो भी उसके मन में विचार आ रहे वो सब लिख रही है लिख रही है लिख रही है लिख रही, 15 मिनट हो गए 20 मिनट हो गए 3 पत्ते हो गए 4 पत्ते हो गए और उस मोमेंट पे उसको अंधेरे में जैसे अंधेरा हो जाता जैसे रात हो गई थी अंधेरे में, उसे उसकी मम्मी
उसकी उसके दिमाग में है, और मम्मी उसके उसे कुछ बोल रही थी जो ऑलरेडी स्वर्गवास हुआ था उनका, और वो उससे कुछ मैसेज दे रही थी। उसे वो मैसेज ये देने वाली थी कि मैंने मेरी जिंदगी ऐसे ही बिताई जैसे तू बिता रही है, तो तू कुछ अलग कर, और ये जो भी है रोज का दूध का जो खरीदी बिक्री है, इससे कुछ अलग करने का कुछ सोच। और वो विचार होने के बाद उसके मन में इतने ज्यादा विचार आ गए, इतने ज्यादा विचार आ गए कि वो सो गई। वो सो गई और इतनी गहरी नींद में सो गई कि दूसरे दिन का सूर्योदय, दूसरे दिन का सूर्योदय उसकी जीवन को टोटली टोटली पलट देने वाला था। आई एम डन। अभी नेक्स्ट आप गौरव सर कंटिन्यू करो, नेक्स्ट जी, अरविंदर सर कंटिन्यू करो। जी अरविंदर जी है आप? हरविंदर सर नहीं है, गौरव नहीं है? जी ओके, बैठे हैं, गौरव सर आप बैठे कंटिन्यू हुए करो। हैं। नहीं है, नहीं है। एनीवे, सूर्योदय होने के बाद किसको कंटिन्यू करना है, जिसको भी कंटिन्यू सूर्योदय करना है, होने के बाकी बाद, मैम आप सूर्योदय कर लो। से पहले मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, हाँ करो करो। हाँ राधा पूरे दिन की थकी हारी अपने घर आई, बच्चों को खाना खिलाया, अपने घर का खुद का काम किया और वापस वो अपनी बिस्तर पे सोने गई। तो आज वो बिस्तर पर सोई पर उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको क्यों नींद नहीं आ रही थी? वो सोचती थी कि मैं तो हर रोज इसी रास्ते से दूध बेचने जाती हूँ और हर रोज मैं जाती हूँ आती हूँ तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, पर आज ब्रिज पर ऐसा क्या हुआ कि मैं वो ब्रिज पास करने के लिए सोचती थी कि मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। तो वो रात को लेटे लेटे वो सोचती थी कि मुझे इतना डर क्यों लग रहा था। फिर उसने वो पड़ोस वाली महिला से सुना था कि कल इसी तालाब में एक लड़की ने खुदकुशी कर दी थी और उसकी आत्मा वहीं पे भटक रही थी, और आते जाते राहगीर को वो रास्ता पूछती रहती थी। तो उसको लगा कि मेरे पीछे भी वो लड़की है और वो लड़की की आत्मा मेरे पीछे पीछे आ रही है, तो इसी घबराहट के मारी वो ब्रिज पार करने से डर रही थी। ऐसा सोचते सोचते राधा सोचने लगी कि भाई अभी इससे मुझे बाहर निकलना है। तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर आपके पास ऐसा कुछ भी डर है तो अगर आप भगवान जी को याद करते हो तो भगवान जी आपकी मदद करता है। तो वो भगवान का नाम लेके सो गई और सोचती रही कि कल अगर मैं जाऊंगी और मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी। थैंक थैंक यू। तो ये कहानी हमने आज बनाई नहीं थी, हम सबने इमेजिन करके बनाई, जैसे सर ने बताया था वैसे, तो हम वैसे सोच सकते हैं और बोल सकते हैं, तो हमें इसी पे प्रैक्टिस करना है और आगे चलना है। जी यू। यस यस सर, बहुत लगता है मैंने बहुत कुछ मिस कर ही दिया। अच्छा। गौरव जी, आपका हाँ गौरव सस्पेंस जी से हमें आगे का चाहिए ये था इस करते हैं। कहानी में, जी मैडम क्या कह रहे हैं मैम? आपका सस्पेंस चाहिए था हमें इस कहानी में, एंड में। अच्छा कुछ कहानी हुई क्या? अब मैं दूसरे मीटिंग में चला गया था, 10 बजे हाँ, से वो मेरी आशीष जी ने दूसरी। बताया हमें। यस अच्छा, यस जस्ट केम बैक। तो सर हाँ, यहाँ पे हमने एक स्टोरी क्रिएट की थी, तो जैसे सबने थोड़ा थोड़ा पार्ट उसमें जोड़ा है। जैसे मैंने कहानी शुरू की थी एक गांव की ग्वालन से, और फिर सबने थोड़ा थोड़ा जोड़ के कहानी को कंप्लीट किया, और एंड में अभी सस्पेंस हम डालने वाले थे तो मैंने अभी थोड़ा अपनी ओर से डाला कि क्या एक बात है, लड़की खुदकशी करके मर गई थी और उसकी आत्मा वहीं पे भटक रही थी और सबसे रास्ता पूछ रही थी। तो अभी आप अपने हिसाब से कुछ सस्पेंस बताइए।
और रास्ता पूछ रही थी और गाड़ी वालों को रोक रही थी, लेकिन मजे की बात ये हो रही थी कि जो भी रुक रहे थे वो डर जा रहे थे, क्योंकि उस लड़की में वो खुद का फेस देख रहे थे, उनको लग रहा था अरे मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ, और उन्हें फिर फील होता था कि वो कार के बाहर कैसे हैं। तो ये मतलब उनके अंदर एक डर और एक उत्सुकता दोनों का निर्माण हुआ, और मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। और वो जो लड़की थी वो 1 मिनट के लिए अपियर हो रही थी और अगले 5 मिनट के लिए गायब हो जा रही थी। तो इस दौरान क्या हो रहा था कि जो कार चला रहे थे वो थोड़ा आगे तो बढ़ जा रहे थे डर के मारे, लेकिन वो जो रोड का डायरेक्शन है वो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में वो जा रहे होते उस डायरेक्शन में वो नहीं जाते हैं। सारे कार जो है एक लेफ्ट साइड में रोड के किनारे एक बहुत बड़ा किला रहता है हवेली जैसा, सबके सब उस ओर जाने लगते हैं। तो सारी कारें वहां पे जमा होती है और हर कार के आगे लाइट के आगे वही जो पता पूछ रही थी लड़की वही सामने खड़ी होती है, लेकिन लड़की के चेहरे पे उनका खुद का ही चेहरा दिख रहा होता है। आगे की बात बाद में। बहुत अच्छा थैंक गौरव जी। और गौरव जी, यू। आपकी कहानी, आपने जो सर के साथ में शेयर किया था ना, हम सबको बहुत अच्छी लगी। और हम सब देख रहे थे थैंक कि जैसे हम मूवी देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं और हम लोग मूवी देख रहे हैं, ऐसा हम फील कर रहे थे सर। हम लोग आपके यू साथ, थैंक यू। हम लोग उसके साथ कार की बैक सीट पर बैठे हुए थे। इतने बार किया हम लोगों ने गाड़ी को, इतने बार इतने ज्यादा स्पीड से भगाया उसको, साइड से सब लोग भीग रहे थे। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अभी यहीं पे हम एंड करते हैं, 11:15 हो रहे हैं। श्योर। तो कल मॉर्निंग के सेशन में वापस मिलेंगे, तब तक हैव अ गुड नाइट सबको। बाय गुड नाइट। बाय थैंक बाय बाय। यू अनीता मैडम, एक बहुत स्टोरी अच्छा भी क्रिएट हो गई और थोड़ा सा ये रहा। भी हो गुड गया। नाइट।